स्क्रीन ऑन ठीक है। लेट अस सपोज आई सेड टू यू कि रिसर्च फील्ड एंड वेब डेवलपमेंट इज मोर डिमांड ठीक है। तो हम पहले फैक्ट्स एंड फिगर पे देख लेते हैं कि हमें वेब डेवलपमेंट क्यों सीखनी है। ये देखिए मोस्ट ऑफ की फेवरेट वेबसाइट है फाइवर ठीक है। अब वहाँ पे जब भी कोई बात की जाएगी आप बेसिकली फाइवर फ्री लांसर में ये देखें ये आपके पास ये मेजर कैटेगरीज आ रही हैं प्रोग्रामिंग पैक ट्रेनिंग ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप रिसर्च भी करते हैं लेट सपोज हम रिसर्च कर लेते हैं वेब डेवलपमेंट ठीक है। अब देखिए ये बेसिकली ये मैंने क्यों खोली इसलिए खोली कि बेसिकली यहाँ पे हमें पता चले कि मार्केट में डिमांड क्या है। देखिए वेब डेवलपमेंट लारावेल वेबसाइट डेवलपमेंट वेबसाइट डेवलपमेंट शॉपिफाई वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट फुल स्टैक वेब डेवलपर फ्रंट एंड वेब डेवलपर वेब थ्री डेवलपर वेब डिजाइन एंड डेवलपर तो दैट्स बेसिकली आई इन दिस स्लाइड आई विल टेल यू कि कितने टाइप्स के डेवलपर होते हैं। There are most common three types of web. One is the front end, second is the back end, and third is the full stack web development. So, ये देखिए let's suppose well, तो front end web development क्या होता है, back end web development क्या होता है, full stack web development क्या होती है? Front end web development is basically working on a front end side, ठीक है? In this example, let's suppose like you have this is a basically image description. That's a basically working of front end. बैकएंड डेवलपर क्या होता है, बैकएंड डेवलपर ये होता है कि बेसिकली बैकएंड डेवलपर स्टोर टॉक अबाउट डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है, व्हाट इज अ डेटाबेस, डेटाबेस इन सिंपल फॉर्म यू कैन से एनीथिंग टू सेव द डेटा ठीक है। दैट्स बेसिकली ये देखिए ईशान नाम आ रहा है, वेल हेयर आ रहा है, अमेज़न बिजनेस आ रहा है, ये बेसिकली डेटा किधर से कैप्चर हो रहा है, ये बेसिकली दैट्स ऑल अबाउट बैकएंड। बैकएंड पे ठीक है फ्रंट एंड क्या होते हैं जो लुक एंड फील पे काम कर रहे होते हैं, जो बैक एंड पे काम कर रहे थे वो डेटा स्टोर पे काम कर रहे थे। और थर्ड मोस्ट कॉमन टाइम एक है फुल स्टैक। फुल स्टैक इज द मोस्ट हाईली डिमांड जॉब। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बेसिकली होता है कि दैट्स कंटेंट फ्रंट दैट हैव नॉलेज ऑफ फ्रंट एंड बैक एंड एज़ वेल ठीक है। अभी लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की बहुत डिमांड है ठीक है। दिस कोर्स इज बेसिकली टोटल प्रैक्टिकल कोर्स। इफ आई सी एनीथिंग वी विल सर्च ऑन गूगल एंड फाइंड द सॉल्यूशन इन ईच एंड एवरी थिंग। बेसिकली सर कोर्स ठीक है फुल स्टैक वेब डेवलपर। आप देखेंगे उसकी सैलरी आगे लिखी है ठीक है। फुल स्टैक वेब डेवलपर की सैलरी के पाकिस्तान में 62,470 है, लेकिन वे भी वर्क बेसिकली यूएसए मार्केट। तो यूएसए मार्केट में ये देखें इस फुल स्टैक डेवलपर गुड कैरियर ठीक है जी जी ठीक है। अब यूएस में इसकी क्या 1,10,381 डॉलर ठीक है। अब अगर लेट सपोज आप इनको पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करते हैं ठीक है, मल्टीप्लाई अगर 230 भी करते हैं तो ये देखें ये बेसिकली डेट्स ऑल अबाउट ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है बेसिकली जो मोस्ट कॉमन टर्म्स होती हैं वो हम बात कर लेते हैं ठीक है। एक वेबसाइट पे ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली वेब थ्री डेवलपर वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट ठीक है। जो वेब डिजाइन बेसिकली टॉक अबाउट फ्रंट एंड ठीक है। हम जिसको फ्रंट एंड कहते हैं मोस्टली पीपल इन द कॉमन लैंग्वेज इसको वेब डिजाइन कह रहे होते हैं। नेक्स्ट चीज इज बेसिकली फ्रंट एंड वेब डेवलपर, फ्रंट एंड वेब डेवलपर को भी वेब डिजाइन फ्रंट एंड डेवलपर कह सकते हैं। फुल स्टैक डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर हैव बोथ नॉलेज एज वेल बैक एंड एज वेल फ्रंट एंड। नेक्स्ट चीज है वेब थ्री डेवलपर। वेब थ्री डेवलपर इफ यू वांट टू बिकम मिलियनेयर वेब थ्री इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। वेब थ्री व्हाट इज द वेब थ्री, वेब थ्री इज अ बेसिकली बेसिकली लाइक अ नॉन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। व्हाट इज अ नॉन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, नॉन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू राइट लाइक क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। बिटकॉइन डोंट हैव एनी सेंट्रल बॉडी और कोई भी अथॉरिटी कोई भी कंट्रोल नहीं होता, तो वो बेसिकली वेब थ्री होते हैं। हम वेब थ्री की एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स सपोज अभी कस्टम वेब में और वेब थ्री में क्या फर्क है। लेट सपोज वी वर्किंग ऑन मेडिकल फील्ड ठीक है। अब मेडिकल फील्ड है आप एक हॉस्पिटल में जाते हैं ठीक है, दैट्स अ रिकॉर्ड मेंटेन ठीक है। आप दूसरी किसी भी जगह जाएंगे तो बेसिकली जो होगा वो रिकॉर्ड आपका पिछले हॉस्पिटल में होगा, इन द प्रीवियस हॉस्पिटल, नॉट इन द अपकमिंग हॉस्पिटल। और फॉर एग्जाम्पल आप डिफरेंट हॉस्पिटल में जाएंगे वो हॉस्पिटल डोंट नो द बैकिंग हिस्ट्री, डॉक्टर व्हाट इज द डायग्नोसिस ऑफ दिस मेडिसिन। अब वेब थ्री के आने का क्या फायदा होगा, बेसिकली डिसेंट्रलाइज हो जाएगी सारी चीजें। डिसेंट्रलाइज का क्या फायदा होगा, आप एक हॉस्पिटल से मेडिसिन लेते हैं वो बेसिकली डेटा क्या होगा, बेसिकली वो हॉस्पिटल के कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो कहीं अपलोड हो जाएगा।
जब किंग भी अपलोड होगा तो इन द नेक्स्ट डॉक्टर वो इजीली आपकी चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप वेब थ्री की एग्जांपल अगर आप ले लेते हैं ब्लॉक चेन, ठीक है। अब ब्लॉक चेन जो बेसिकली ये वेब थ्री पे, अब ये देखिए बेसिकली ब्लॉक चेन की इंडस्ट्री आपको बताओ अगर बिटकॉइन ये चेन एवरीथिंग डिसेंट्रलाइज है, तो जो हमारा फोकस होगा हम वेब थ्री का एक बेसिकली इंट्रोडक्शन एट द एंड ऑफ करेंगे, ठीक है। अब हम वेब डेवलपमेंट को सर्च करते हैं, तो बेसिकली स्कोप की जब हम बात कर रहे थे, ये देखें ये माने वेब डेवलपर 94,711 रुपीज का एक पैकेज करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट चीज ये करेंगे, जब भी हमको चीज टेक्नोलॉजी कोई भी सीखते देंगे, इन द नेक्स्ट वी विल क्रिएट अकाउंट ऑन फाइवर, अपवर्क भी लाइक अ फाइवर एक मार्केट है फ्रीलांसर, ठीक है, और फ्रीलांसर वो भी ऐसे मार्केट, ठीक है। हम साथ ही अकाउंट बनाएंगे और साथ ही हम कोशिश करेंगे कि हमें कोई प्रैक्टिकल बेसिकली कोई प्रोजेक्ट मिल सके, अगर नहीं भी मिल सकता है एटलीस्ट यू नो कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। बेसिकली आफ्टर दैट कोर्स आपको ये होगी कि हमने अर्निंग किस तरह करनी है ईच एंड एवरीथिंग। जब हम वेब डेवलपमेंट के नेक्स्ट हम स्लाइड्स खोल लेते हैं, थोड़ा सा स्लाइड के साथ हम अगेन प्रैक्टिकल वर्किंग, ठीक है। जो इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट थी, ठीक है, वही वेब डेवलपमेंट के जो इंट्रोडक्शन है उसमें हमें पता होना चाहिए कब होना चाहिए किस तरह होना चाहिए। Don't ask anybody about the history of the web development. Mostly people said about basically latest technology. So in 1991, basically ये एक lab थी, जहाँ basically web development का future ये internet का basically future ये था कि US army को basically some documents अपनी network पे send करने थे। तो उन्होंने basically network design किया था जिससे वो internal communication को कर ले। जब इंटरनल कम्युनिकेशन हुई थी उसके बाद ओरिजिनल, फिर ये देखिए वर्ल्ड डब्ल्यू मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इजी एक्सेस टू क्रॉस कंप्यूटर नेटवर्क पे, तो डब्ल्यू हम उन्हें कहते, ठीक है, कोई भी वेबसाइट कोई भी एनी डॉक्यूमेंट यू एक्सेस ओनली यूजिंग डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड एक्सेस, ठीक है। अब हम बेसिकली अंडरस्टैंड वर्ल्ड का मतलब दुनिया, वाइड का मतलब वेब, ठीक है, वाइड का मतलब और वेब, इसका मतलब है यू कैन एक्सेस एनी डॉक्यूमेंट अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट चीज है हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट को हम सिंपल फॉर्म में URL कहते हैं। अब हाइपर टेक्स्ट क्या है, जब हम बेसिकली किसी भी लिंक को क्लिक करते हैं, लेट अस सपोज मैं आपको कहता हूँ कि आप बेसिकली होम पे क्लिक करें, जब आप किसी भी लिंक को क्लिक करते हैं, ये लिखें पे क्लिक करते हैं, दैट्स अ हाइपरलिंक, ठीक है। हाइपरलिंक आप इन द सिंपल फॉर्म यू कैन सी एनी लिंक और एनी वेबसाइट यू कैन क्लिक जिस पे आपको बेसिकली रिस्पांस आता है। तो हाइपरलिंक बेसिकली हमें मोस्टली वेबसाइट में हम मतलब मोस्टली लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक वेब पेज बना रहे होंगे, दूसरे वेब पेज के साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे, वो बेसिकली क्या होगा, हाइपरलिंक। देखिए अब नेक्स्ट चीज होती है, एक होता है वेब पेज क्या होता है और बेसिकली वेबसाइट क्या होती है, ठीक है। मोस्टली अब मैं इसको कहूंगा आप मुझे वेबसाइट बताएं, तो लेट अस सपोज ये fiverr.com इज अ वेबसाइट, और अब वेब पेज का तो वेब पेज एक पेज होता है, ठीक है। अब मैंने ये क्लिक किया, ये इसको हम कह सकते हैं वेब पेज, आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड वेबसाइट। एक कंप्लीट जो होती है उसको हम वेबसाइट कहते हैं, और उसके अंदर एक पेज जो सर्व कर रहा होता है उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, वेब पेज। ये हम fiverr.com के अंदर ये वेब पेज हमने ओपन किया। अब लेट्स सपोज जो हमारी अपनी वेबसाइट है हम उस पर चले जाते हैं, अब हम कह सकते हैं ये हमारा फैशन का वेब पेज है। अगर हम कंप्लीट की बात करेंगे दैट्स अ वेबसाइट, ठीक है वेब पेज एंड वेबसाइट, ठीक है। अगर किसी के भी कोई क्वेश्चन है काइंडली वो नोट डाउन कर लें, एट द एंड ऑफ लेक्चर हम बेसिकली क्या करेंगे URL, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है व्हाट इज अ URL, URL इज अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। जिस वेबसाइट को बेसिकली हम हाइपरलिंक कह रहे थे, वो बेसिकली जब हम किसी भी काम में बात कर रहे होंगे इंडस्ट्री में, तो उसको हम URL कह रहे होंगे। लेट अस सपोज अभी इस वेबसाइट पे ये देखें ये URL है, URL का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म मतलब यूनिक एनीथिंग, ठीक है। रिसोर्स का क्या मतलब होता है, अभी देखिए डेस्क इमेज इज अ रिसोर्स, टेक्स्ट इज अ रिसोर्स, एंड लोकेटर, लोकेटर का मतलब है लोकेशन, कहाँ पे स्टोर है,
यूनिफॉर्म स्टोर लोकेटर। अब मैं ये इमेज देखता हूँ, ये कहाँ पे स्टोर है, देखिए ये बेसिकली ये देखिए आप इमेज ओपन हो गया। अब इसको सेव इमेज ऐड करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर में इमेज डाउनलोड हो जाएगी। अब क्या मतलब है, इस इमेज का यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटेड डिफरेंट है, यूआरएल डिफरेंट है। अब नेक्स्ट इमेज आप खोलेंगे, अब नेक्स्ट इमेज पे आप क्लिक करते हैं, लेट्स फॉर ओपन इमेज इन न्यू टैब। तो ये देखें अब ये भी इमेज है और ये भी इमेज है, लेकिन इनके यूआरएल टैग्स आर टोटली डिफरेंट, ठीक है, जैसे यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटेड, ठीक है। नेक्स्ट चीज है बेसिकली, अब आपका जब आप करते हैं देखिए, वेब पेजेस आर डिस्प्लेड यूजिंग अ प्रोग्राम कॉल्ड वेब ब्राउजर। आप मोस्टली पीपल नो अबाउट वेब ब्राउजर लाइक क्रोम, फायरफॉक्स, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये क्या होते हैं, ये वेब ब्राउजर होते हैं। अब किसी भी वेबसाइट को ओपन करने देखिए, अब मैं क्रोम ओपन कर रहा हूँ तो डैश बेसिकली प्रोग्राम, और यू कैन से बेसिकली आप कह सकते हैं ये वेब ब्राउजर है। अगर आपने किसी भी HTML, PHP या कोई भी CSS की वेबसाइट करनी, यू मस्ट हैव वेब ब्राउजर। अगर वेब ब्राउजर नहीं होगा तो बेसिकली अब आपका तो आप वेबसाइट ओपन नहीं कर सकते। दी मोस्ट पॉपुलर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर जो अपाची HTTP, ठीक है। अब जो मोस्ट कॉमन वेब सर्वर है, ठीक है, अपाची। तो हम क्या करेंगे, इन दिस क्लास वी विल मेक अवर सिस्टम टू वेब सर्वर, ठीक है। वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर हम नेक्स्ट अभी स्लाइड में करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये देखें, ये बाप जी बेसिकली ये कंप्यूटर है, इसमें इमेजेस ओपन हो रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट ओपन हो रहे हैं, इन एवरीथिंग, तो ये कहीं से आ रहा है, लेकिन ये आपको बेसिकली इस वेबसाइट को डेवलप करने के लिए आपको वेब सर्वर चाहिए होता है। वेब सर्वर ईच एंड एवरी, आप सिंपल टर्म में कहते हैं टू सर्व एनीथिंग। सर्वर का क्या मतलब होता है, सर्व एनीथिंग, ठीक है। तो हम अपने कंप्यूटर को वेब सर्वर नहीं, जो माइक्रोसॉफ्ट का है बेसिकली वो इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, लेकिन हम मोस्ट कॉमनली वेब ब्राउजर जो है वो अपाची यूज कर देते हैं। अब देखिए, वेब पेजेस आर क्रिएटिंग यूजिंग हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। जो बेसिकली जो भी लैंग्वेज होती है उसमें आपने बेसिकली HTML की बात होती है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था फ्रंट एंड, ठीक है। आपने ये तीन चीजें याद रखनी है, फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक, ठीक है। जितनी भी फ्रंट एंड का बेसिकली काम होता है वो HTML में होता है, ठीक है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर, ये देखिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज आप सिंपल इसे टोटली मेकअप ले लें, ठीक है। मेकअप क्या होता है, बनने की लुक एंड फील चेंज कर लेते हैं। इसी तरह HTML जो बेसिकली आपका लुक एंड फील चेंज कर HTML पेजेस और डॉक्यूमेंट, ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज सेट ऑफ करेक्टर एंड सिंबल दैट डिफाइन डॉक्यूमेंट लॉजिकल स्ट्रक्चर। व्हाट इज अ लॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखिए, बेसिकली स्ट्रक्चर जो होते हैं किसी भी चीज की वेबसाइट की, ठीक है। अब आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, लेट्स गो, या फाइवर ओपन करते हैं, जैसे लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग के पहले लोगो आ रहा है, फिर उनकी सर्च बार आ रही है, फिर उनके बेसिकली ये आ रहा है आपका बैलेंस कितना है, आपने अर्निंग कितनी की है, उसके बाद ये ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, बेसिकली लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग। अगर आप किसी डिफरेंट वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, हम गूगल को ओपन कर लेते हैं, डेट्स अ गूगल स्ट्रक्चर, गूगल लोगो हियर एंड गूगल स्ट्रक्चरिंग बार, डेट्स अ बेसिकली गूगल का स्ट्रक्चर। तो ईच एंड एवरी वेबसाइट हैव देयर ओन स्ट्रक्चर एंड यूनिकनेस, यू कैन सी। नेक्स्ट चीज है बेसिकली HTML इज ओरिजिनली डिफाइनिंग, देखिए, डिफाइनिंग द एलिमेंट इन डॉक्यूमेंट डिपेंडेंट ऑन हाउ दे अपीयर। अब बेसिकली अब ये वाले डिफाइनिंग इन अ डॉक्यूमेंट इंडिपेंडेंट हाउ दे वुड अपीयर, अपीयर का क्या मतलब होता है, HTML बेसिकली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज होती हैं वो तीन तरह की होती है, मतलब उसमें हमें तीन तरह की सीखनी होती है, एक HTML होती है, एक CSS होती है, और एक होती है PHP या बैकएंड। HTML क्या करेगा, वो बेसिकली आप डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर बनाएंगे लोग, लेकिन लुक एंड फील, इसकी एग्जाम्पल हम सिंपल ये लेते हैं, हम घर को बनाते हैं, ठीक है। अब आपने एक घर डिजाइन करें, ठीक है, एक पहले घर में क्या होगा कि आपने दीवारें बनानी है, छत डालना, फ्लोर डालना, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये HTML हो गया, सिंपल स्ट्रक्चर घर का बना हुआ, ग्रे स्ट्रक्चर, दैट्स द HTML। अगर आप कहते हैं कि अब मैंने इस कमरे की इस दीवार पे ये वाली वुडन फ्लोरिंग करनी है, ये वाली टाइल लगानी है, ये वाली कलरिंग करनी है, दैट्स द बेसिकली CSS कॉस्टिंग स्टाइल शीट, ये हम नेक्स्ट अभी कुछ स्लाइड में इसको भी इंट्रोडक्शन लेंगे। एंड थर्ड इज द बेसिकली उसकी फंक्शनैलिटी है, आप कहते हैं मैं अपने घर में एक लिफ्ट लगवानी है, दैट्स द लिफ्ट इज द बेसिकली बैक एंड। क्या हुआ, HTML basically structure of the document and CSS used for to designing and look and feel for the and PHP or other backend language used
फॉर फंक्शनलिटी पर्पस, ठीक है। और क्रिटिकली नहीं, हाउ टू राइट अ वेब एप्लीकेशन अलोंग विद सर्वर प्रोग्रामिंग, ठीक है। जो बेसिकली अभी हमने बात की कि हम अपनी कंप्यूटर पर सर्वर बनाएंगे, ठीक है। एनीथिंग, आपने कोई भी चीज यूज करनी हो, सर्व करनी हो, बेसिकली वो आपको वेब सर्वर सर्व करेगा, ना कि आपको बेसिकली फ्रंट एंड, ठीक है। जो बैक एंड पे जो हम बात करते हैं, बैक एंड का मतलब होता है सर्वर प्रोग्रामिंग, और फ्रंट एंड का मतलब होता है आपको बेसिकली एचटीएमएल और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एंड कंटेंट फॉर्मेटिंग इन सेक्शन कॉल्ड टैग्स, ठीक है। अब मैं आपको बेसिकली जितनी भी एचटीएमएल में होता है उसको हम टैग कहते हैं। अब टैग से क्या एग्जाम्पल है, लेट अस सपोज मैं ये ले लेता हूँ, ये एक बेसिकली पैराग्राफ है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हमने पैराग्राफ का टैग यूज किया होगा, ये एक इमेज है, दैट मीन हमने इमेज का टैग यूज किया होगा। कोई भी बेसिकली टैगिंग होगी तो हम अब सिंपल एक एप्लीकेशन सिंपल एक टैग यूज करना सीखते हैं, ठीक है। सिंपल टैग यूज करने के लिए अभी जो एचटीएमएल, देखें अभी हम कोई भी वेबसाइट या वेब सर्वर नहीं बनाए, ठीक है। अभी हम फ्रंट एंड की बात करने लगे, अब हमने एक टैग सीखना, ठीक है। टैग के लिए आप न्यू में जाएंगे, बेसिकली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हम जाएंगे, अपने न्यू में जाने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अभी हम कोई टूल नहीं यूज करें, इन द फर्स्ट टू थ्री क्लासेस वी डोंट यूज एनी टूल, ठीक है। उसके बाद हम टूल यूज करना चाहेंगे, टूल में बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी एंड इजी टू मेक टैग्स, ठीक है। लेकिन बट इन द स्टार्ट यू नो हाउ टू, अगर आप बेसिक कंप्यूटर है, बेसिकली बेसिक कंप्यूटर है, तो आप ईच एंड एवरीथिंग, आपको ये ना हो कि कोई टूल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सम क्लाइंट्स के पास आप जाएंगे, उनके पास टूल अवेलेबल नहीं होते, तो आपको ये प्रॉब्लम ना हो, हम इसलिए फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, हेलो वर्ड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आपने बेसिकली, अब मैंने लेट्स सपोज कर लिखा फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है, आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं। अब फर्स्ट प्रोग्राम है, अब देखिए मैंने इसको ओपन किया, दैट्स एम्प्टी बेसिकली। अब मैंने एक्स वन ये टैग में यूज करने लगे, ठीक है। अब ये हम बेसिकली टूल यूज करेंगे, सर्च है खुद के लिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स वन, एक्स वन ये यहाँ पे क्या टैग है, ठीक है, तो फर्स्ट टैग, ठीक है। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ये बिल्कुल फाइल ओपन हो रही है, इसमें तो कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा। हम किस पे काम कर रहे थे अभी, हम दोबारा अपनी स्लाइड पे चले जाते हैं, हम काम कर रहे थे एचटीएमएल, एचटीएमएल मैंने क्या कहा हेल्पर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो दैट्स सो सिंपल कि आपको इस पेज को एचटीएमएल बनाना है, जब आप एचटीएमएल बनाएंगे देन यू कैन रन दिस एप्लीकेशन। सिंपल यू क्लिक ऑन फर्स्ट एप्लीकेशन एंड गो टू बेसिकली एचटीएमएल, एचटीएमएल एंड प्लस एंड यस। अभी देखें जो हम पहले ओपन कर रहे थे हम वो भी देख लेते हैं, हम ये कर लेते हैं एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस, यहाँ पे हमने एक्स वन लिखा था और फर्स्ट टैग लिखा था, जब हम ओपन कर रहे थे उसको बेसिकली खाली टैक्स हो रहा था, लेकिन जब मैं अब ओपन करूंगा अब आप चेक कीजिए, ठीक है। अब ये क्या फर्स्ट टैग हो गया, फर्स्ट टैग, ठीक है। ये बेसिकली अब हमने हम कहेंगे, अब मैं आपको कहूँगा यू कैन यूज एच वन टैग, एच टू टैग, इमेज टैग, ठीक है। तो आपने इसका टैगिंग यूज करनी थी, और अब हम टैग के स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, ठीक है। आपने, मैं इस फाइल को दोबारा कॉपी करता हूँ, ये देखिए पेस्ट करता हूँ। अब मैं इस फाइल की खाली एक्सटेंशन चेंज कर देता हूँ डॉट पी एच डी, तो फिर देखिए फिर वो बेसिकली एचटीएमएल डॉक्यूमेंट हमारा नहीं रहेगा, और ये अब आपका दोबारा वो फर्स्ट टैग, ठीक है। अब हम बेसिक अभी एच वन स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। जब भी आप कोई स्ट्रक्चर लिखते हैं, देखें एच वन, एच टू, एच थ्री, ये सारी हमने बेसिकली नेक्स्ट क्लास में हमने करना है जितने भी स्ट्रक्चर। आपने एच वन लिखा, ये स्टार्ट ऑफ टैग है, ठीक है, ये बेसिकली स्टार्ट ऑफ टैग है, और इसको क्लोज करना होता है, जो चीज हमने एक्सटीएमएल स्टार्ट करनी है उसको क्लोज करना है, और इसके अंदर आपने जो भी टैग लिखना है, ठीक है, फर्स्ट टैग, ठीक है, मैंने फर्स्ट टैग लिखा, ठीक है। अब आपने कुछ भी डॉक्यूमेंट में टैग लिख सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कैसर, ठीक है। अब अपना अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है, अब हम अपना नाम लिखते हैं, अब हम इसको ओपन करते हैं, तो ये बेसिकली कैसर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि अगर आपने लेटर को इस तरह की देखें, हम किसी वेबसाइट पर भी जाते हैं, ये अब आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली टैग यूज हो रहे होंगे, ये डिफरेंट टैग हैं, ये मेन्यू के टैग हैं, ये बेसिकली आपकी इमेज का टैग है, और ये इस तरह की आपकी डिफरेंट, ये देखें, ये जो हम हैपर लिंक की बात कर रहे थे, ये यूआरएल की बात कर रहे थे, तो ये देखें, ये अब आपने ये बेसिकली इस पर क्लिक करना है, और ये देखें ये एक नया लिंक ओपन हो, ठीक है। ये हम नेक्स्ट लैब में सारी एवरीथिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम बेसिक टैग पे हमें क्लियर हो गए, ठीक है, टैग में डिफरेंट, ये देखिए बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, ठीक है।
और कंट्रोल लेटर लो बटन लोगे, चेक बॉक्सेस होगी, आपने डिफरेंट फॉर्म देखे होंगे। अब ये वही चीज है, वेब पेज आइडेंटिफाई यूनिक एड्रेस कार्ड यूआरएल, ठीक है। मैं आपको कह रही हूँ इस यूआरएल को ओपन करें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूआरएल google.com, ठीक है। तो इस यूआरएल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, यूजली प्रोटोकॉल एचटीटीपी और बेसिकली इधर डोमेन नेम और वेब सर्वर, वेब सर्वर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं बेसिकली, अब आप कुछ भी लिख रहे हैं, देखिए मैंने fiverr.com लिखा, अब आप इसको देखिए, अभी मैंने इंटर मारा, ये देखिए fiverr.com। अब इसमें बेसिकली क्या है, अगर आप इस पर जाते हैं, देखिए www, हमने फर्स्ट स्लाइड में बात की थी कि कोई भी चीज़ एनीथिंग सर्व यूजिंग www स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। नेक्स्ट इज बेसिकली प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल के HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अब कई वेबसाइट है उसमें आपको बेसिकली ये एस नहीं लिखा है, यहाँ पे एस का क्या मतलब है, एस यूज फॉर सिक्योर प्रोटोकॉल, ये स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। जो ये चीज है ना कि आपको थोड़ी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, इन द रिकॉर्डिंग यू कैन सी, और जो आपको ये बेसिकली इसका थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ये चीजें हम यूज नहीं करेंगे, ये आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि ये चीजें किस तरह मतलब प्रोटोकॉल क्या होते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होते हैं, सारी चीजों को आपको। नेक्स्ट चीज अब हम बात करेंगे होस्ट रेफर टू कंप्यूटर सिस्टम दैट बीइंग एक्सेस्ड बाय रिमोट कंप्यूटर। रिमोट कंप्यूटर क्या होते हैं, रिमोट कंप्यूटर ये होता है कि कोई भी सिस्टम है, लेट्स सपोज एक सिस्टम है वो अमेरिका में बड़ा हुआ है, तो मैं इसको रिमोटली एक्सेस करना चाहता हूँ। रिमोटली का मतलब ये कि वो रिसोर्स फिजिकली हमें उसको हमारे पास उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, तो रिमोट का क्या मतलब है, हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब रिमोट एक्सेस क्या होती है, देखिए हम हर कंप्यूटर है, ठीक है। अब आप वेबसाइट सर्व कर रहे हैं fiverr.com, ठीक है। अब हमने भी अपनी वेबसाइट की, हमारी वेबसाइट की जो डोमेन है onlyambition.com है, जितने स्टूडेंट्स आएंगे बेसिकली तो उनको क्या होगा कि मैं एक डोमेन बना के दूंगा, ठीक है। अब वो जितना भी वर्किंग करेंगे दैट्स अ प्रैक्टिकली कोर्स, कि हम अपने कंप्यूटर को कुछ भी नहीं बनाएंगे, ताकि हम हर चीज ईच एंड एवरीथिंग, आपने इंटरनेशनल लेवल पे जब आपने वर्किंग करनी है आपको बेसिकली सब डोमेन दी जाएंगी, हम सब डोमेन बनाना भी सीखेंगे, डोमेन समझाते हैं ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, ताकि आप वर्किंग करें एटलीस्ट आपको पता चले कि जब आउटपुट आता है तो दैट्स व्हेन यू फील कॉन्फिडेंट और आप काम करने की लगन लग रहा। अब डोमेन आइडेंटिफायर द टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन .biz.com.edu.in, दैट्स द मोस्ट क्रिटिकल थिंग। बेसिकली क्रिटिकल थिंग क्या है, बेसिकली ये देखें अभी हमने ये fiverr.com ओपन किया, अभी देखें अगर आप ओपन करते हैं दैट्स fiverr.com इज अ बेसिक .com डोमेन इज अ बेसिकली इंटरनेशनल लेवल डोमेन .com इंटरनेशनल। अब हम कोई एजुकेशन की वेबसाइट बना रहे हैं, एजुकेशन की जो एक्सटेंशन है वो .edu.bk, लेट्स सपोज आप गूगल पे जाते हैं, आप लिखते हैं पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी, ठीक है। यूनिवर्सिटी क्या होती है, एजुकेशन होती है, तो एजुकेशन ये देखिए ये भी fiverr.com है, google.com है, तो हम किसी भी एजुकेशन की वेबसाइट को खोल लेते हैं, ठीक है जी, मास्टर विकिपीडिया यूनिवर्सिटी, ये डिफरेंट वेबसाइट लगा देंगे, देखिए अब हम हमें किसी यूनिवर्सिटी पता है, लेट्स सपोज हम खोल लेते हैं इकरा यूनिवर्सिटी, अब इकरा यूनिवर्सिटी आप खोलते हैं, लेट्स सपोज इकरा यूनिवर्सिटी अब आपने ओपन किया, देखें ikra.edu.bk, edu और ये .com इंटरनेशनल डोमेन होती है, और .edu का क्या मतलब है, डैट है एजुकेशन पर्पस, edu.edu.bk edu क्या होते हैं, एजुकेशन पर्पस के लिए यूज होती है, एंड .pk स्टैंड फॉर पाकिस्तान, ठीक है। अगर आप इंडिया में खोलेंगे .in, अगर आप यूएसए में खोलेंगे .usc, ठीक है। ये क्यों आपने रखना होता है, देखिए जब भी आप डोमेन रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, ठीक है, डैट्स प्रैक्टिकली, देखिए अगर आपने जो पिछला लेक्चर अगर वो आपको ठीक है थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन डैट्स प्रैक्टिकल अटेंशन प्लीज, ठीक है। बात चीजें होंगी जो मैं कहूँगा अटेंशन प्लीज, उसका मतलब डैट्स बेसिकली फ्यूचर, आपको ये चीजें आपको बेसिकली आनी चाहिए, ठीक है, आनी के चाहिए ये चीजें क्लाइंट डिमांड कर रहा होता है, ठीक है। अटेंशन प्लीज का मतलब है ये क्लाइंट की डिमांड है, थोड़ी इसलिए आपको कहनी पड़ती है कि बेसिकली थोड़ा आपको चीजें बताऊं। अब मैं प्रैक्टिकली क्या करने लगूँ, मैं एक डोमेन रजिस्टर्ड करने लगूँ, जब भी आप डोमेन रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, लेट्स सपोज ब्लू होस्ट, वन ऑफ माई फेवरेट
तो आप भी डिफरेंट है, गुड आइडिया है, उसके बारे में आप सोचते हैं, ठीक है। जब भी आप करेंगे देखेंगे ये होस्ट योर वेबसाइट, ठीक है। जब भी आप वेबसाइट पे होस्ट करेंगे .com .edu में और .pk में ये सारी चीज़ें हैं। अब ये देखिए हम गेट स्टार्टेड, ठीक है। अब डैशबोर्ड में ये पैकेज सेट कर देता हूँ, क्योंकि आपने कोई भी पैकेज सेट करना, ये पैकेज आपको क्लाइंट बता देता है, ठीक है। अब ये देखिए जब हम बात कर रहे थे .com की, ठीक है, .edu .pk ये सारी चीज़ें वेबसाइट आ रही है, ठीक है। अब मैंने एक वेबसाइट रजिस्टर करनी है माई के softwaretech7hx.com, ठीक है। क्लाइंट कहेगा मुझे ये डोमेन आप खरीद के देंगे, आप क्या करेंगे जो क्लाइंट देखिए ये डोमेन माई softwaretech7hx अवेलेबल, ठीक है, अगर कोई चीज़ अवेलेबल होगी वो बता देगा। आप कहते हैं कि मैं google.com रजिस्टर कर लेता हूँ, डोमेन है मस्ट बी यूनिक इन द वर्ल्ड, ठीक है। आप google.com लिखेंगे तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे कहेगा google.com इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है, कैन नॉट यूज और डिफरेंट डोमेन। इसका क्या मतलब है, जो डोमेन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो आप दोबारा रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। इससे क्या आइडिया होगी कि डोमेन नेम मस्ट बी यूनिक, क्लाइंट आपको कहेगा ये पैकेज है ये इसकी हम डोमेन चेंज कर देंगे, ठीक है। आपने ब्लू वर्ड कुछ भी करना है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डोमेन नेम यूनिक चाहिए, ठीक है। आप लिख लेते हैं, लेट सपोज हम लिख लेते हैं माई सॉफ्टवेयर एनर्जी, ठीक है। अब मैंने बात की थी डोमेन की टाइप होती है, डॉट कॉम इज इंटरनेशनल डोमेन, डॉट नेट फॉर नेट पर डॉट ओ आर जी किसकी होती है, अगर WHO हो गया, कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होगी, डॉट ऑनलाइन मोस्टली पीपल यूज ऑनलाइन वर्किंग और वेबसाइट डॉट पे डॉट को ब्लॉग ब्लॉग पर बिश फॉर बिजनेस इन्फो फॉर इंफो डॉट USA फॉर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डॉट UK डॉट UK। तो बेसिकली ये कि ये ऑर्गेनाइजेशन, अब आप जो बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन सारी इंटरनेशनल लेवल की अमेरिकन लेवल की, आप कहते हैं जी मैंने एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट रजिस्टर करना चाहता हूँ .edu.pk, ठीक है, .edu.pk एजुकेशन पर्पज की ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड करना चाहता हूँ। तो .edu.pk और ये चीज़ें सारी बेसिकली अब आपको लोकल किसी भी इंडस्ट्री में मिलती है। हम लोकल में बात कर लेते हैं, लोकल में हमारे पास सबसे ज़्यादा जो वेल नोन ऑफिंग वेबसाइट वो hostelpk.com, ठीक है। अटेंशन दीजिए, ठीक है, कोई क्लाइंट पाकिस्तानी आ रही है, वो कहेगा मुझे पाकिस्तानी डोमेन रजिस्टर्ड कर दीजिए। तो अब आपने बेसिकली यहाँ से रजिस्टर करना है, अगर इंटरनेशनल डोमेन रजिस्टर्ड करनी है तो हम बेसिकली ब्लू हाउस मैंने आपको बता दी, लेकिन नेक्स्ट अब ये देखिए .com .pk .com .pk .net, इसका क्या मतलब है .pk .com .pk, अब हमें .net .pk .org .edu, अब मैंने एक तरह यूनिवर्सिटी रजिस्टर करना हो तो मैं यहाँ से रजिस्टर कर सकता हूँ। इसका क्या मतलब है, डोमेन आल्सो डिपेंड अपॉन अ कंट्री ऑफ ओरिजिन, अगर ऑस्ट्रेलिया में बैठे .eu की मिलेगी, अमेरिका में इंडिया में तो .eu, ठीक है। अब आपको ये पता होना कि अगर पाकिस्तानी क्लाइंट आ जाए तो आपने इसके हॉस्टल पीछे से जाके पाकिस्तानी वेबसाइट खरीद के देनी, अगर ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का है तो वो बेसिकली आप किसी भी वेबसाइट से लिए, ठीक है। अब आपने बेसिकली मैंने तो ब्लू हाउस ओपन कर ली, अब आपको क्लाइंट डिफरेंट प्रोजेक्ट देते हैं, अब आपने बेसिकली क्या चीज़ सर्च करनी है ये वेबसाइट करती है, आपने लिखना है डोमेन रजिस्ट्रेशन। एक चीज डोमेन रजिस्ट्रेशन होती है और नेक्स्ट टाइप में हम खोल लेते हैं होस्टिंग। अटेंशन प्लीज, ये प्रैक्टिकल है, ठीक है, जब मैं अटेंशन लूँगा वो आपने चीज़ें आपको क्लाइंट आपको कहेगा ये मुझे देनी है। तो मैंने लिखे डोमेन रजिस्ट्रेशन और होस्टिंग रजिस्ट्रेशन, बट ये मोस्ट इंटेंशन प्लीज दैट्स अ प्रैक्टिकल, ये मोस्ट आपको बेसिकली क्रिटिकल कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर का, ठीक है। ये प्रैक्टिकली क्लाइंट आपसे ये डिमांड करेगा, डोमेन क्या होती है और होस्टिंग क्या होती है, ठीक है। अब मैं google.com खोलता हूँ, google.com इज बेसिकली डोमेन है, डोमेन रजिस्ट्रेशन। तो व्हाट इज अ होस्टिंग, होस्टिंग बेसिकली आप कह सकते हैं लोकेशन और सर्वर वेयर द फाइल स्टोर। अब मैं पाकिस्तान लिखता हूँ गूगल पे जाके, ये होस्टिंग है, लेकिन ये अब मैं न्यूज़ में जाता हूँ, ये न्यूज़ कहाँ से आती है, ये डिफरेंट इमेज, ये बेसिकली हमें होस्टिंग सर्व करती है। तो डोमेन नेम के सिंपल फॉर्म में एक चीज़ का नाम है और होस्टिंग क्या है उस चीज़ में स्टोर करनी है। अब मैं आपको एग्जांपल इसकी बेसिकली डेट्स ऑफ फोकस, ठीक है, डेट्स ऑफ प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट, ये आपको हर हाल में पता नहीं, इसके हमें सिंपल एग्जांपल, ठीक है,
जब हम जब मैं प्रैक्टिकली कोई कॉन्सेप्ट की बात करूंगा तो मैं सिंपल एग्जांपल इसलिए देने की कोशिश करूंगा, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम सिंपली। ठीक है, अब आप एक घर में रह रहे हैं, ठीक है, वो बेसिकली आप कहते हैं हाउस नंबर 7 सीट नंबर 1 बाबर कॉलोनी जनाब सरोवर कॉलोनी, दैट्स अ बेसिकली डोमेन नेम। ये कि ये डोमेन का नाम है कि वो उसका एड्रेस क्या है। अब मैं कहता हूँ मेरे घर के मेरे घर में दो रूम है, ठीक है, अब दो रूम के होस्टिंग है, उसके अंदर एक बेड भी होगा, एक टीवी भी होगा, एक एलईडी भी होगी, ये क्या ये होस्टिंग है। एक चीज का नाम दैट्स अ डोमेन, और उस चीज के अंदर जो स्टोर करने की लोकेशन होती है, सर्व करने की लोकेशन होती है, दैट्स अ होस्टिंग। अब आपसे क्लाइंट कह सकते हैं कि मुझे डोमेन रजिस्टर कर दें या मुझे होस्टिंग रजिस्टर कर दें, ठीक है, आपने डोमेन रजिस्ट्रेशन लिखना है या आपको सारे डोमेन डाल देना है। अब कोई भी चीज़ होती है, ठीक है, अब आप बेसिकली अब आपने रिसर्च करनी है कि मुझे कौन सी डोमेन रजिस्टर करनी चाहिए, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो बेस्ट है, तो ये देखिए आप लिख सकते हैं बेस्ट डोमेन रजिस्ट्रेशन, बेस्ट वेब डोमेन रजिस्ट्रेशन, ये देखिए गो डैडी और ये डिफरेंट वेबसाइट आ गई, ये देखें ये लिखा है ए डी एड, ये बेसिकली क्या है, ये एड है, ये गूगल को उन्होंने पेमेंट की कि हमारी वेबसाइट को ऊपर लेंगे, ठीक है, अब ये आपकी डिफरेंट वेबसाइट है, ठीक है, अब बेसिकली हम इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, तो ये आपको क्या करेगा कि अब आपको डोमेन रजिस्ट्रार के बारे में कंपेरिजन बता रहा, ठीक है, कौन सी डोमेन है, किसको आपको परचेज करनी है, क्या डोमेन ट्रांसफर है, ठीक है, ये चीज़ें बेसिकली अब आपकी नेक्स्ट चीज़ें, ठीक है। अब आप नेक्स्ट चीज़ें पूछेंगे हमने होस्टिंग की तस्वीर खरीदनी थी, वो तो आपको डोमेन ऑफर कर रहा था, वो बेसिकली आपको होस्टिंग भी ऑफर कर रहा था, ठीक है, लेट अस सपोज हम होस्टल पीकी को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, आप डिफरेंट वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हैं, होस्टल पीकी को हम ओपन कर लेते हैं। अब हमने डोमेन समझ ली, डोमेन इज द नेम ऑफ एड्रेस और होस्टिंग इज बेसिकली लोकेशन और स्टोरेज ऑपरेशन, ये देखिए मैं फर्स्ट पैकेज भी किया उसने लिखे 100 MB डिस्क पे, दैट्स बेसिकली क्या होती है, अब आपकी स्टोरेज दैट्स होस्टिंग, वो कह रहे हैं 1000 MB इक्वल टू 1 GB, 1 GB की स्टोरेज से क्या मिला, 1 GB की स्टोरेज से मिला कि आपके पास इमेजेज हैं, आपकी इमेजेस हैं, फाइल्स हैं, अगर वो 1 GB से एक्सटेंड हो जाएंगी तो ये होस्टिंग बेसिकली आपके लिए डिसेबल हो जाएगी, मतलब वो कहेंगे आप होस्टिंग प्लान को मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है बैंडविड्थ, 20 GB बैंडविड्थ, बैंडविड्थ क्या होती है, टू ट्रांसफर एनी डॉक्यूमेंट यूजेज, ठीक है, कोई भी चीज़ में आप नेटवर्क पर जब जाते हैं बैंडविड्थ क्यों क्रिटिकल होती है, आप बेसिकली कोई भी चीज़ सर्व कर देते हैं, लेट्स सपोज आप इमेज ओपन करें तो उसको कोई बाइट चाहिए, कोई पैकेट चाहिए, कोई नेटवर्क चाहिए, जब नेटवर्क पे जितनी भी ट्रैफिक होती है उसको हम बैंडविड्थ कह देते हैं। अब 20 GB बैंडविड्थ का क्या मतलब है, अब आपकी वेबसाइट वो हिट हो जाती है तो 20 GB बैंडविड्थ, अब आपने मेरे को 500 MB का डेटा यूज किया, 1000 MB लेकिन 500 MB मल्टीप्लाई से आप कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, मेरे को आपका एक पेज 100 MB का और आपकी ट्रैफिक लेट अस सपोज आ जाती है 50,000, तो ये ट्रैफिक होगी, ठीक है, अब ये देखिए ये कितना होगी, ये आपको बेसिकली अब 20 GB की बैंडविड्थ से ऊपर चलोगे तो क्या होगा कि बैंडविड्थ जब भी एक्सटेंड होगी तो वो बेसिकली होस्टर आपको अलर्ट दे देगा कि आपकी बैंडविड्थ ज्यादा होगी, वो बेसिकली आपकी सर्विसेज को स्टॉप कर सकती है। नेक्स्ट चीज है फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन, अब ठीक है, अब आपने अटेंशन प्लीज, ठीक है, ये तीन चीजें आपने जब भी किसी चीज को परचेज करना तो देखनी होती है, आपकी ये वेब पेज होगी दैट्स अ वेब होस्टिंग, दैट्स अ नेटवर्क ट्रैफिक, इसको हम नेटवर्क ट्रैफिक और बैंडविड्थ कहते हैं, दैट्स अ डोमेन रजिस्ट्रेशन, ये डोमेन रजिस्ट्रेशन होगी जो हमने चल की थी, ये होस्टिंग रजिस्ट्रेशन होगी, ये बैंडविड्थ होगी, और इसके बाद ASP/PHP ईमेल दैट्स अ बेसिकली, अब आप देखिए 99.9% सर्वर अपडेट है, ठीक है, हम मोस्टली, ठीक है, हम पाकिस्तान को प्रेफर करते हैं, ठीक है, आई नो, लेकिन पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा पावर सप्लाई पावर्स के इशूज़ हैं, आपके इंटरनेट के इशूज़ हैं, तो इसलिए हम जब भी कोई डेटा सर्वर या कोई भी डेटा सेंटर खरीद देते हैं तो हम मोस्टली अनफॉर्चुनेटली बैड लक आपके लिए हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टेक्निकली फॉल्ट और ये आप क्या देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है बेसिकली 30 डे मनी बैक गारंटी, ये क्या होती है, ये हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करती है कि आपने डोमेन रजिस्ट्रेशन कर ली, आप क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं कि उसकी स्पीड कम है
तो आप क्या करते हैं, आपने कह देते हैं वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर सर्विसेज प्लीज मनी बैक। उसमें भी बेसिकली देखिए आपकी जो होस्टिंग होती है ये बेसिकली किसके कंट्रोल में होती है, ये डोमेन रजिस्टर होती है, लेकिन आपने डोमेन जो रजिस्टर कर ली होती है वो आपकी बेसिकली क्या होती है, आपकी मानिए के लिए रजिस्टर्ड हो जाती है। और ये देखिए फ्री वेबसाइट बिल्डर के ये 24/7 है। टेक्निकल सपोर्ट का क्या मतलब होता है, 24/7 का मतलब, 24 का मतलब है 24 घंटे, 7 का मतलब है 7 दिन इन अ वीक, ठीक है। इस लिहाज से भी आपको पता है फार्मर जो है वो थोड़ा आपका ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। फ्री वेबसाइट बिल्डर, ठीक है, ये वेबसाइट बिल्डर क्या होता है कि आपको बिल्ड इन टूल दे देते हैं मैनुअल चेंजेस ट्रैक करने के लिए। और ये अब नेक्स्ट चीज है मोर डिटेल्स, इसमें भी बिल्कुल आपको डिटेल, ठीक है। अब ये मोर डिटेल है, ठीक है, इसमें आपको प्लान जीरो लेटेस्ट पर बात कर लेते हैं। अब देखिए प्लान वन पे हम जो 512 MB, ठीक है, जब आपको MB को GB में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मोस्टली लोग MB में बात कर लेते हैं, हमें GB में समझ नहीं आती। 1000 MB जो सिंपल, ठीक है, डिवाइडेड पर 1 कर दें तो वो बेसिकली अब क्या हो गया, आपने 1000 को 1000 से डिवाइड करना, ठीक है, 1000 MB डिवाइडेड बाई 1000 तो GB में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 GB इक्वल टू, ठीक है, 1000 MB मतलब 1 GB, 20 GB है, इसको मैं कह रहा हूँ आप GB को MB में कन्वर्ट कर दें। तो हमें सिंपल क्या करना होता है, जो GB का डेटा होता है इसको आपने MB में, ठीक है, 20 GB मल्टीप्लाई 1000 आप करेंगे ये आपका 20000 MB आ जाएगा, ठीक है। ये क्लाइंट मोस्टली आपको पूछ रहा होता है स्टेट एंड सिंपल असेंड रिसोर्सेज बेसिक, बेसिक मतलब ये होता है कि आपको सपोर्ट बेसिक दी जाएगी, ठीक है, CPU 100%, मेमोरी 2 GB, इंट्री प्रोसेसिंग IO क्या होता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग इन नोड 250 की, ठीक है। जब ये बेसिकली अब आपको इतना बताना कि बेसिक सर्विसेज में उन्होंने CPU यूटिलाइजेशन आपको दे दी, मेमोरी दे दी, वो जब हम किसी भी डोमेन को लॉग इन करेंगे तो डेट इस पर हमें बता देंगे। अब नेक्स्ट MySQL सर्वर डेटा बेस है 3 लिखा हुआ है। फ्री का मतलब ये होता है कि देखिए आपके डेटा बेस आप जब भी काम कर रहे थे, अब मैं मुझे कल कोई क्लाइंट हायर कर लेता, ठीक है, वो कहता है कि एक मैंने प्रॉपर्टी डीलिंग की वेबसाइट बना ली, मैंने एक प्रॉपर्टी डीलिंग की वेबसाइट बना ली, एक प्रॉपर्टी डीलिंग का डेटा बेस बन गया। सेकेंड आगे वो कहते हैं अब मुझे ना रेंट ए कार बनाई, फिर मैंने नेक्स्ट वेबसाइट डेवलप की रेंट ए कार, रेंट ए कार में एक डेटा बेस यूज हो गया, दो डेटा बेस हमारे यूज हो गए, रिमेनिंग कितने वन है। फिर वो कुछ अच्छे बात कहते हैं यार अभी मैंने टिकटिंग का काम करना है, लेट अस सपोज वी मेक वन मोर वेबसाइट टिकटिंग, तो 3 डेटाबेस यूज होगी। क्लाइंट कहते हैं मैंने एक और वेबसाइट बनानी है जिसमें मैं OLX की तरह ऐड क्लासिफाइड कर सकूँ, तो अब आपकी डेटाबेस 3 हो गई है, तो आप क्या कहेंगे, आप बेसिकली कहेंगे कि हमारी डेटाबेस कम्प्लीट हो गई है, अब आपको एक नया होस्टिंग पैक के लिए। अब लाउड डोमेन, ठीक है, डोमेन कितनी है, डोमेन हमेशा हमने बात की ओनली रिविजन्स डोमेन, ठीक है, इसको हम डोमेन कहते हैं, google.com को हम डोमेन कहते हैं, fiverr.com को हम डोमेन कहते हैं। ये देखिए इसमें 1 डोमेन लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 डोमेन, इन डोमेन में क्या डिफरेंस है, बेसिकली डोमेन क्या होती है, होस्टिंग मैंने आपको कह दिया कि घर जैसा घर है आपकी लोकेशन है, अब आप कह सकती हो कि अब मेरा तो एक ही बेडरूम है, अब डोमेन को आप समझ लें LLDTB, ठीक है, ये बेसिकली मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि ये बोल रहा था आपको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अब आपने एग्जांपल ले ली कि मेरे घर में एक ही बेडरूम है, मैं एक LLDTB रख सकता हूँ, अब आपके वो एक और LLDTB ले आते हैं, आपके ड्राइंग रूम ही है, ठीक है, तो आप एक LLDTB रख सकते हैं, तो आप बेसिकली इसका क्या मतलब है, अब आपने एक प्रॉपर्टी डीलिंग की वेबसाइट बनाई propertydealing.com, वो आपने होस्टिंग पे ले ली, ठीक है। अब आप बेसिकली क्या करने जाते हैं, एक और LLDTB तो आप एक और होस्टिंग ले लेते हैं, एक और डोमेन लेते हैं जी tripadvisor.com, अब वो क्या कह रहे हैं, अगर आपने एक और डोमेन रजिस्टर करनी है तो अब आपको होस्टिंग पैकेज अपडेट करना पड़ेगा। अब सब डोमेन क्या होती है, ठीक है, अगर लेट अस सपोज मैं अपना पोर्टल लॉग इन कर लूँ, मैं आपको वहाँ से दिखाता जाऊँ, ठीक है, अब मैंने ये प्रैक्टिकल ले ली, ठीक है, अब यहाँ पे अब आपको डोमेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ये जो नाम है ये डोमेन है और ये जो डेटा जो स्टोर हो रहा है ये होस्टिंग है, ठीक है। अब मैंने इस डोमेन को एक्सेस कर लिया, ठीक है, अब कंप्यूटर की जो एक्सेस करती है इसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल पैनल, एक कंट्रोल पैनल होता है जिससे आप कंप्यूटर एक्सेस करते हैं प्रॉपर्टीज, इसी तरह डोमेन का भी एक कंट्रोल पैनल होता है, उसको हम कहते हैं सी पैनल, ठीक है। अब आपके लोग कहेंगे आप सी पैनल पे वर्क कर सकते हैं, सी पैनल क्या होता है, ठीक है,
आप जिस कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल होते हैं उसी को भी कंट्रोल पैनल कहते हैं, लेकिन वेबसाइट में इसको छोड़ करके सी पैनल कह देते हैं। अब मैंने इस डोमेन के पैनल को एक्सेस करना, तो मैं क्या लिखूंगा 2083, ठीक है, काइंडली नोट डाउन कर लें, ठीक है, 2083 को मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है। 2082 और 83 जो होती हैं वो वेबसाइट बेसिकली क्या होती हैं, आपके पैनल को एक्सेस करने के लिए होती है। पहले हम मोस्टली 2082 यूज करते थे, 82 जो होता है वो विदाउट SSL होता है, SSL जो होता है सिक्योर ट्रॉफिक लिए, ठीक है, अगर विदाउट सिक्योरिटी, लेकिन आप दुनिया में सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2083 लिखेंगे वो आपको बेसिकली सी पैनल पे ही, अब उसने ये सी पैनल पे ले लेगा, फिर वो मुझे पूछेगा सी पैनल का यूजर नेम क्या है और पासवर्ड क्या है, ये आप यहाँ से परचेज करते हैं वो आपको बेसिकली सी पैनल का यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं, ठीक है। इसी तरह अभी ये मैं अभी मैं स्पोर्ट ट्राई करता हूँ, मोस्टली मैं पासवर्ड फॉरगेट कर लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको एक और बार मैं इंटर नहीं कर रहा, ये लॉक हो जाएगा, मैं अपना इसका पासवर्ड बेसिकली मैं चेक करके मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये आपको पासवर्ड चेक कर दूँगी। अब सब डोमेन क्या होती है, सब डोमेन ये होती है चीज़ें, ठीक है, हम इस पैनल में सब डोमेन ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल मैं डैशबोर्ड चेक कर लेता हूँ, अगर मुझे ये देखेंगे, अब ये बेसिकली क्या है, doe.onlyambitions.com, ठीक है। अब ये क्या है बेसिकली, ये अब आपकी शॉर्ट डोमेन है, लेकिन ये पहले मैंने क्या करा, ये डोमेन है, ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं ये डोमेन का मेरा जो एड्रेस है वो घर का एड्रेस है, तो शॉर्ट डोमेन क्या हुई, आप कहते हैं मैंने अपने घर के अंदर किसी रूम के एक और नाम देना, ठीक है, आप क्या कहते हैं एक घर आपने लिया, आप एक रूम अली को रेंट पे दे देते, एक रिजवान को रेंट पे दे देते। अब अली की जो डॉग आएगी आप कहते हैं कि जो भी अली आपको डॉग भेजे रूम नंबर 1 हाउस नंबर 7 सीट नंबर 1 बाहर करते, तो इसी तरह अब डोमेन के अंदर जब आप रजिस्टर कर देते हैं हम सब डोमेन कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें ये सब डोमेन का टोटल प्रोटोकॉल डिफरेंट बना हुआ है, और डोमेन पर देखिए आप बेसिकली अब आपका बेसिकली डिफरेंट बना हुआ। अब आप मुझे ये कह सकते हैं, देखिए आप मुझे ये कह सकते हैं सब डोमेन की जरूरत क्या है, देखिए अब मैं फैशन की पेज पे क्लिक करता हूँ, अब ये देखें ये चीज़ें ये भी तो हम बना सकते हैं, लेकिन देखिए सब डोमेन के टोटली डिफरेंट चीज़, और डोमेन के पहले अगर कोई चीज़ आती है वो सब डोमेन होती है, और अगर डोमेन के बाद कोई कैटेगरी या कोई चीज़ आती होती है तो हम क्या कहते हैं URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड, वो कह रहे हैं ऑनलाइन एम्बिशन, उसके अंदर प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर एक फैशन की चीज़ है उसको आप सर्व करते हैं, That's a basically URL, that's hyperlink, that's a subdomain, ठीक है। ये मोस्टली क्वेश्चन आता है कि हाइपरलिंक और आपकी सब डोमेन क्या फर्क है, सब डोमेन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द डोमेन मैन पार्ट ऑफ द डोमेन, that's a you can say room within the house, आप एक उसमें ठीक है आपके दो रूम है, एक को हमने बेसिकली आपने मार्बल लगाया, दूसरे को आप बेसिकली रंग करा देते हैं, जैसे सब। और अगर आप कहते हैं जी URL की बात करें, URL की बात ये कि आप कोई भी चीज़ को डिवाइड नहीं कर रहे थे, आप उससे शोर को, ठीक है। अब आपने किचन को एक्सेस कर लेना, आप उसके किचन आप क्या कर सकते अपने घर के अंदर जाकर किचन को एक्सेस कर सकते, डेट्स बेसिकली ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो भी ट्रिकी क्वेश्चन होगा, ठीक है, इसको साथ गूगल भी कर दूंगा ताकि आपको थोड़ी इसका आपको कंप्लीट वो सब डोमेन और URL का सब डोमेन है आप डोमेन, ठीक है, सब फोल्डर रूट डोमेन सब डायरेक्टरी, ठीक है, सब डायरेक्टरी IP एड्रेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें लोकल सर्च की सब डोमेन जरूरत है, यू कैन एस्टेब्लिश स्पेसिफिक कंटेंट डायरेक्टरी। अब ये सब डायरेक्टरी जो बेसिकली URL का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है, फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन दैट्स अ प्रमोशनल ऑफर, वो आपको 1 ईयर के लिए बेसिकली क्या कर सकते हैं, आपको सब डोमेन फ्री दे सकते हैं। नेक्स्ट थिंग द मेल अकाउंट, 10 है ये 3 है 20 है,
अब आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है फॉर एग्जाम्पल इकरा यूनिवर्सिटी नाम है। अब इकरा यूनिवर्सिटी में ये लिख रहा है 10 ईमेल्स, 10 मेल्स का मतलब है 10 मेल्स के बाद भी आपको 11 ईमेल नहीं क्रिएट करने देंगे। अब आपने ले लिया लेट इट कॉल एक ईमेल है डीन प्रिंसिपल, ठीक है। अब हमने 10 ईमेल्स हैं फॉर एग्जाम्पल एक हमने बना ली अली रिजवान डीन आपने बना ली, 3 ईमेल होगी प्रिंसिपल होगी डिप्टी सेक्रेटरी होगी कंट्रोलर हो गया सी एफ ओ हो गया एडमिनिस्ट्रेशन होगी, ये 10 डोमेन्स कम्प्लीट होगी। अगर आपने 11 डोमेन बनानी है तो फिर आपको बेसिकली इस पैकेज से डेटा ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। अब ये डिफरेंट पैकेज इसमें ये कि हर पैकेज में कोई ना कोई लिमिट डाल ली जाती है टारगेट। अब ये नेक्स्ट चीज़ है एनुअल पीकेआर। एनुअल पीकेआर का मतलब है कि हर आपकी एनुअल हर सालाना आपको ये फी चार्ज होगी, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल और आईपी एड्रेस इज अनदर वे टू आइडेंटिफाई डिटेक्ट, ठीक है। जितनी भी दुनिया में चीज है बेसिकली वो क्या होती है आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। अब मैंने अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस फाइंड करना मैं किसको फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं आईपी कॉन्फिग लिखूंगा जाकि और मैं अपनी आईपी एड्रेस फाइंड कर लूँ, ठीक है। अब मेरी इस टाइम कंप्यूटर का आईपी वर्जन 4 एड्रेस है 10.255.253.25, ठीक है। आईपी फोर तो हर कंप्यूटर को बेसिकली आईपी एड्रेस गिवन होते हैं और बेसिकली तो हर कंप्यूटर, ठीक है। आप किसी भी सर्वर को आप ओपन करें, ठीक है। अब लेट अस सपोज गूगल को ओपन करें, गूगल के पास बेसिकली आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस को अब हम आप यानी मैंने गूगल डॉट कॉम लिखा आप किस से कह सकते हैं बेसिकली कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है। आप गूगल डॉट कॉम से उसको इसको हमने गूगल डॉट कॉम को क्या कहें हमने डोमेन नेम का, ठीक है। तो मेरे गूगल डॉट कॉम, ठीक है। अब डोमेन अब हर कंप्यूटर का तो आई पी एड्रेस है, ठीक है। हर कंप्यूटर को आई पी एड्रेस मिला होता है वो डोमेन नेम पे चल कर रहता है। इसको बेसिकली कौन दुनिया में या कोई भी चीज सर्व होती है एक चीज होती है डी एन एस सर्वर, डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। डोमेन नेम सर्वर क्या करता है कि फॉर एग्जाम्पल वो डोमेन को आई पी एड्रेस है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं हाउस नंबर 7 स्ट्रीट नंबर 1 बाबर कॉलोनी जिनाज की, ठीक है। उसके ऊपर आपके अब्बू का नाम लिखा होता है अब्दुल मजीद, आप कह सकते हैं अब्दुल मजीद इज अ डोमेन नेम आईपी एड्रेस इज अ घर का एड्रेस, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल आप नागरा के लिए, आप बेसिकली अगर आप कहीं पर जाते हैं आपसे पूछा जाता है व्हाट इज योर सीएनएसी नंबर, आईडी कार्ड नंबर, आईडी कार्ड नंबर इज यूनिक, ठीक है। आपकी आईडी कार्ड नंबर पूछा जाता है दैट्स आर बेसिकली प्रैक्टिकली वर्किंग ऑन आईपी एड्रेस, तो जब आपकी आईपी एड्रेस पे काम किया जाता है तो बेसिकली दैट्स आर यूनिक। डोमेन नेम आप कह सकते हैं अपना नाम, मेरा नाम कैसा मजीद है, लेकिन मुझसे कभी भी जब भी मैं पूछता हूँ कोई भी मैंने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म कोई भी फॉर्म फिल करने डेट्स का बेसिकली डिपेंड अपॉन सी एन एस नंबर। अब हम अब जो हम बात कर रहे हैं हम चेक कर लेते हैं गूगल की आई पी एड्रेस की, आप लिखते हैं गूगल आई पी एड्रेस, लेकिन ये आपको जेनेरिक पब्लिक डीएनएस आई पी एड्रेस डोमेन नेम सर्वर आई पी एड्रेस। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लिखता हूँ हाउ कैन गेट आई पी एड्रेस ऑफ गूगल, अब आपके डिफरेंट एड्रेसेज हैं, ठीक है। ये हम देखेंगे हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है अगर यहाँ गूगल ओपन हो जाता है तो ये हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बस आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्योंकि देखें जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगी बेसिकली आप क्या होगा कि आपको बात आपको दे देंगे 115.182.1.3145 सर्वर पर, तो आपने बेसिकली क्या होती है आपने आई पी टू डोमेन बेसिकली माइग्रेट करनी होती है। अब ये आपके बेसिकली डेट्स अ प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट, ये भी वीडियो आपको बार बार इस वीडियो का ये चैनल बार बार आपने रिपीट करके देखना है। इवन क्लाइंट आपसे पूछेगा डोमेन नेम क्या होता है, होस्टिंग क्या है, कितनी बैंडविड्थ है, कितनी स्पीड है, कितनी वेब होस्टिंग है और कितना पैकेज है, लेकिन डेट्स का बेसिकली प्राइसिंग, ठीक है। जो भी प्राइसिंग होती है क्लाइंट उस पर बेसिकली आपका उस पर उसकी क्वेश्चन होती है कि वो जी कितनी ये क्या चीज मिलेगी, तो इस पर आपने बेसिकली मिसाल दी कि आपको अब पता नहीं कि डिस्क स्पेस क्या होती है, बैंडविड्थ क्या होती है, रिसोर्सेज माइस्क्यूएल के सर्वर क्या होते हैं, डोमेन्स क्या होती हैं, सब डोमेन और ये सारी चीज़ें ईच एंड एवरी थिंग आपको ये अब पता नहीं दैट्स अ क्रिटिकल थिंग, ठीक है। ये अब आपके क्लाइंट आपके हर हाल में डिमांड करेंगे, ठीक है। आई पी एड्रेस कंसीडर सीरीज ऑफ 4 ग्रुप ऑफ नंबर सेपरेटेड बाय पीरियड, ठीक है। अब ईच इंटरनेट डोमेन नेम इज एसोसिएटेड यूनिक है, ठीक है। आप जितना भी इंटरनेट है डेट्स से यूनिक, ठीक है।
अब ये लिखा है सीरीज ऑफ फोर ग्रुप, ठीक है। अब मैंने मेरी डोमेन अगर आपकी देखते हैं, देखें 10.255.255.225, उसने क्या लिखा है फोर ग्रुप, ठीक है। अब आपको आईपी की जरूरत ना करना नहीं होता, क्लासेज होती है क्लास ए बी सी डी क्लास स्लैश आई बी, ठीक है। नेटवर्किंग के बंदे को पता होता है जो भी होता है वो आपको नेटवर्क बेसिकली डिजाइन करना तो वो आपको आईपी दे देते हैं। ये एक हो गया, ये दो हो गए, ये तीन हो गए और ये फोर हो गए। बस आपसे पूछा जाता है आई पी वर्जन में लिखे आई पी फोर लिखा हुआ है, ये आपको पता होना कि आई पी वी फोर क्या होता है। देखिए आई पी वी फोर होता है आई पी वर्जन फोर, ठीक है। आई पी वर्जन फोर जो होता है वो 32 bits का होता है, ठीक है। ये क्यों पता होना चाहिए, हमारे पास भी नहीं आई लेकिन इंटरनेशनल लेवल मूव टू आई पी वर्जन सिक्स, आई पी उस पर लिखा होता है आई पी वी सिक्स, ठीक है, आई पी वर्जन सिक्स, ठीक है। ये आपको इतना पता होना चाहिए, आई पी वर्जन फोर है आई पी वर्जन, इतना आपको पता होना। देखिए एच टी टी पी इज अ कंपोनेंट ऑफ ट्रांसमिशन कंट्रोल इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। मैंने जब भी बात की, देखिए मैंने आपसे बात की थी एच टी टी पी और एच टी टी पी एस, तो मैंने क्या कहा था कि जितनी भी चीजें वो एच टी टी पी एस पे ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। हम दोबारा एग्जाम्पल ले लेते हैं आपसे, खैर बोल दिया, ठीक है। फाइबर डॉट कॉम पे जाती है, मैंने इस डोमेन को क्लिक किया, लेकिन ये आपके पास आ रहा है एच टी टी पी एस, और ये एच टी टी पी पहले जो होता था वो एच टी टी पी होती थी हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल विदाउट सिक्योर, अगर विदाउट सिक्योरिटी वो एच टी टी पी होता था, जैसे एच टी टी पी एस ये आपको सिक्योरिटी के साथ आया, तो इसलिए आपको बेसिकली क्या है एच टी टी पी एस। ये बेसिकली क्यों जरूरी होता है, देखें आपको क्यों जरूरी होता है, आप इसलिए आप देखें इसलिए जरूरी होता है क्लाइंट ये बूट लेता है आपकी कि इसके साथ एस एस है भी नहीं है, क्यों। बेसिकली आप जब भी किसी डोमेन परचेज कर रहे होते हैं आपको बेसिकली एस एस एल सर्टिफिकेट आपको एडिशनल देनी होती है, ठीक है। आपको ये देखिए $5.9 में ये नया चीज ऑफर कर रहा है, ठीक है, ठीक है $60 पर ईयर, ठीक है $60 पर ईयर, ठीक है। अगर आप एच टी टी पी अगर आप नहीं परचेज करते तो एच टी पी एस, तो बेसिकली क्या होता है कि आपके जितनी भी सिक्योरिटी ले रहे हैं, वहाँ पर फायर वॉल लगी वहाँ पे एच टी टी पी ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया जाता है, तो एस एस एल जरूरी है, इसलिए आपको परचेज करना पड़ता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, डेट शॉर्ट इंपोर्टेड पार्ट जो बेसिकली आपका एस होता है वो सिक्योर पर्पज के लिए होता है, और एच टी टी पी जो होता है वो बेसिकली आपका, ठीक है, आप डिफरेंट, ठीक है, अब डिफरेंट टर्म में आप इनको गूगल भी कर सकते हैं, गूगल भी आपको टारगेट एच टी टी पी, ठीक है। ये फिर एच टी टी पी एस इज विद एच टी टी विद इंक्रिप्शन, ठीक है। ये ओनली डिफरेंस बिटवीन टू प्रोटोकॉल, एक्चुअली यू टी एल एस टाइम लीव सर्विस एस एस एल सर्टिफिकेट टू इंक्रिप्ट नॉर्मल एच टी टी पी रिक्वेस्ट, ठीक है। इंक्रिप्ट बेसिकली जो डेटा होता है वो एच टी टी पी एस जो होता है, और जो विदाउट इंक्रिप्ट होता है वो एच टी टी पी। अब आपको पब्लिशिंग जो वेबसाइट की बहुत क्रिटिकल है कि हमने वेबसाइट एक पब्लिश करनी है, नेक्स्ट क्लास में एक वेबसाइट अपनी डोमेन पब्लिश करनी। अब आपकी वेब होस्टिंग है, हमने वेब होस्टिंग कंप्लीट देखी है, ठीक है। अब आप वेब होस्टिंग बेसिकली दुनिया में कहीं भी फ्री नहीं है, मैंने उनकी कॉस्टिंग बता दी, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास मैंने होस्टिंग सीधी हुई है, ठीक है। मैं उसका सब डोमेन, सब डोमेन के फादर में कोई स्टूडेंट है मेरे अली मैं ali.onlyofficial.com, ठीक है। उससे क्या होगा कि हम सब डोमेन हम प्रैक्टिकली काम करेंगे, जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे आप बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका आउटपुट और आपको वो चीज़ें सारी चीज़ें देखने में मिलेंगी जो क्लाइंट को आपको कर दे। ये पब्लिकेशन है वेबसाइट फॉर पब्लिक एक्सेस इंटरटेबल मॉडर्न डी एस एल सेटेलाइट डायलॉग, ठीक है। अब बेसिकली जो होता है आपके डी एस एल ये सारी चीज़ें आपके इंटरनेट से रिलेटेड होती हैं, ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आपको साथ होती है, लेकिन आपको आई एस पी का आइडिया होना चाहिए। सम टाइम बेसिकली लोग क्या होते हैं आई एस पी की बात कर लेते हैं, आई एस पी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं पाकिस्तान मोस्टली, जिसका हो गया आपका मेजर जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो पी टी सेल है, उससे आगे एयरटेल हो गया आपकी यू फोन मोटलिंग जो भी वो, ठीक है आप, ठीक है। और सर आई एस पी एडवांटेज टू होस्टिंग वेबसाइट के एक्सट्रीमली फास्ट इंटरनेट कनेक्शन एडवांस, ठीक है। कितनी आई एस पी होती हैं उनके साथ बड़े फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन होती हैं और आपके केबलिंग, ठीक है, सर्वर भी कि उन्होंने सर्वर मैनेज करने होते हैं, तो इसलिए अब डोमेन मैनेज यूनिक एड्रेस यूजर आइडेंटिफाइंग सर्वर ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। डोमेन नेम क्या होते हैं यूनिक एड्रेस, ठीक है। हमने पहले बात की थी अगर हम गूगल डॉट कॉम लिखते हैं तो गूगल डॉट कॉम हमें रजिस्टर्ड नहीं होती क्योंकि यूनिक चाहिए, तो आपने वो बेसिकली अब आपकी डोमेन है हमने रजिस्ट्रेशन वो हमने कम्प्लीट कर ली पिक का डोमेन है, ठीक है। आगे और हमने कहा कि हम कोई भी चीज़ डोमेन नहीं कर लेते हैं वो हम डोमेन नेम को पिक कर लेते हैं, डेट इज सिमिलर टू योर बिजनेस एंड डिस्क्राइब योर वेबसाइट, ठीक है। मोस्टली क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल हम जब भी कोई डोमेन आप
करते वो हम प्रोफेशनल अभी जैसे खाड़ी डॉट कॉम है वो कपड़ों की इकरा यूनिवर्सिटी डाली की डेढ़ सौ यूनिवर्सिटी ने अब मेरी इकरा रिपोर्ट बना लेते इकरा यूनिवर्सिटी और मैं ले लेता हूँ वेबसाइट पलवान डॉट कॉम या कोई ऐसी ऐसी नहीं होती क्या होता है सिमिलर टू जो बिजनेस है आपके जो बिजनेस है मैं तो इससे सिमिलर You cannot use a domain name that already in your trademark. ठीक है अगर कोई भी domain already registered trademark है वो आपकी नहीं है. Contain domain is to find out the availability of. ठीक है इसको मैं दोबारा repeat कर लेता हूँ क्योंकि अब आप देंगे ये दोबारा ठीक है अब गिर गए मैं वो कह रहे हैं pick up domain ठीक है domain name registrar कौन होता है जो आपको domain provide कर रहा है ये order name का टेंशन का कि pick up domain. अब यहाँ पे first of all pick up domain आपने करनी है ठीक है अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ google.com ठीक है अब गूगल डॉट कॉम लिखूंगा चेक वो कह लेगा सॉरी ये तो अवेलेबल ही नहीं गूगल डॉट कॉम इज नॉट अनेबल तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई सॉफ्टवेयर ठीक है ये डोमेन पिकर हो रहा है ठीक है हर डोमेन जो नहीं होती जो वो लिखी हुई है ये लिखी अब माई सॉफ्टवेयर अब नेक्स्ट ये डोमेन है मैं सॉरी ना मास्टर डेटाबेस दैट इज मेंटेन बाय इंटरनेट ठीक है आपकी पाकिस्तान के लिए जो जितनी दुनिया में डेटा वो डोमेन है जिससे और वो इंटरनेट पे होती है अब आप कहेंगे पीछे की पाकिस्तान की कहाँ पर स्टोर होती है तो पाकिस्तान की जो बेसिकली नीचे उसको हम कहते हैं पीके लिख आप गूगल पर जाते हैं लिखते हैं पीके लिख पीके लिख डॉट पीके रजिस्ट्री प्रोवाइडर ठीक है डॉट इंडिया की अपनी रजिस्ट्री प्रोवाइडर है ठीक है ऑस्ट्रेलिया की अमेरिका कनेडा की हमारी डॉट पीके लिख है ठीक है अब ये क्या होता है कि अब आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होंगे ठीक है इकरा यूनिवर्सिटी डाली वो कहेंगे कि जय आप पीके निक से डोमेन रजिस्टर कर लें तो हमें पता होना चाहिए पीके निक है पीके निक पाकिस्तानी रजिस्टर्ड डोमेन है वहाँ पे आप जाएंगे पीके निक पर हम ठीक है अब आपने बेसिकली ये देखें डोमेन लुकअप रूल्स ठीक है अब क्रिटिकल चीज है एक चीज है डोमेन ठीक है आपने इसको लुकअप कर लें लुकअप क्या क्या मतलब होता है मैं लेट्स को मैं अभी ये ओपन करूंगा आपको लुकअप का भी पता चलेगा ये आप बेसिकली क्या डोमेन इज रजिस्टर्ड करंट डेट और एक्सपायरी डेट क्या है 2024 ये बेसिकली लुकअप डेट है आप कहेंगे इससे हमें क्या पता चलेगा लेकिन पाकिस्तान की जो लुकअप है वो थोड़ा क्या है थोड़ा उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया अगर आप दुनिया के लुकअप देखते हैं गूगल की ठीक है गूगल क्या होता है डोमेन को बेसिकली पूरे दुनिया की डोमेन को वो बताते हैं इसकी आई पी टूल्स ठीक है जो हम आई पी वार कर रहे थे ठीक है अंदर को वो हम उसको देखना चाहते हैं आई पी एड्रेस क्या है उसके लिए वो ये चीज़ें आप बेसिकली अगर आप पैसे देते हैं तो ये गूगल लुकअप वो हाइड कर देते हैं लेकिन लेट्स को हम इसका देख सकते हैं अब ये लेकिन नाम क्या हो गया फास्ट में ये अब कंप्लीट रिकॉर्ड है ठीक है गूगल सर्वर के गूगल डॉट ब्लू होस्ट डॉट कॉम ये बेसिकली आपका सर्वर बेसिकली ब्लू होस्ट से मैंने खरीदा हुआ तो उन्होंने बता दी कि गूगल ब्लू होस्ट ठीक है अब उन्होंने बता दी एक्सपायरी डेट क्या है जी डोमेन ठीक है 2021 फर्स्ट ठीक है आप मंथ और आप डेट मंथ और ये रजिस्टर और अब उसने बता दी NS1 ब्लू होस्ट डॉट कॉम नैम सर्वर की मैं बात कर रहा था नेम सर्वर क्या होते हैं DNS नेम सर्वर अब इस कंप्यूटर पर ये आई पी क्यों है अब इस आई पी को ओपन करें ठीक है इस आई पी को बता दें ये आई पी कहाँ की ठीक है ये सारे बेसिकली DNS सर्वर होते जो आपकी नेम ठीक है अब ये नेम क्या जी अब ये इंफॉर्मेशन हाइड नहीं है जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो बेसिकली इसको प्राइवेट करते हैं क्योंकि आपकी सारी हिस्ट्री लीक आउट नहीं होनी चाहिए ठीक है अब मेरे पास लिमिटेड पैसे मैं इनको नहीं हाइड कर सकता अब देखिए इसमें रजिस्ट्रार कॉन्टेक्ट में मोहम्मद कैसे मेरा नाम लिखा हो एड्रेस क्या जी आजम बट सीट नंबर बाबू मेरे घर पर एड्रेस लिखा हो सिटी जी राहुल चिंडी है फोन नंबर क्या जी ओहो ये फोन नंबर ये ई मेल है अब ये सारी चीज़ें डिटेल ओपन होने का क्या होता है कि आप 90% आपका अटैक के चांसेज हो सकते हैं ठीक है आप ई आई पी से ओपन है आई पी पे जा सकते हैं आपके घर पर एड्रेस ओपन है आपके मोबाइल नंबर है ठीक है आपके मोबाइल नंबर ठीक है अब ई मेल ओपन ये सारी चीज़ें आपको प्राइवेट के लिए आपको लिए उसके लिए वो एक्स्ट्रा पैसे ठीक है $25 अब $25 राउंड अबाउट 6,000 रुपीज़ ठीक है तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इसको बेसिकली हाइड करती है तो ये आपको भी हाइड करना चाहिए ये होल लुकअप ईच एंड एवरीथिंग आप बता देते हो ये थोड़ा डेंजरस शब्द है नॉट रिकमेंडेड
लेकिन आपके पास क्लाइंट अगर आपको पेमेंट करते तो ऑफिस को लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट टाइम हम ऑनलाइन एडमिशन इसी अपनी वेबसाइट में भी परफेक्ट चेक करते हैं आपको, हमें शब्द में है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है बेसिकली अब आपकी डोमेन नेम, ठीक है, इंटरनेट और पाकिस्तान में पीके निक पर रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, ये अटेंशन के लिए जिस समय अटेंशन के वो डेटा बेसिकली क्लाइंट आपसे डिमांड करते हैं। ठीक है, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन हमने की फॉर अ फ्री डोमेन नेम के रजिस्ट्रेशन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब आप कहते हैं अब हमारे चर्ची नहीं, अब हम कहते हैं हमने फ्री डोमेन रजिस्टर्ड करना। ठीक है, अब फ्री डोमेन जिस तरह रजिस्टर्ड होती है, फ्री डोमेन जब भी रजिस्टर्ड होती है आपकी सब डोमेन रजिस्टर्ड होती है, कभी भी आपकी कंप्लीट डोमेन रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। अब दैट इज व्हाट गूगल जो प्रोवाइड कर उसको हम कहते हैं ब्लॉगर। ठीक है, अगर आप वर्डप्रेस में जाएंगे ब्लॉगर आप लिखते हैं, ये बेसिकली आपको फ्री ब्लॉग इसलिए आपको फ्री चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें बेसिकली आपकी सब। ठीक है, अब सब डोमेन हमेशा अगर आप देखते हैं, मैं इसको प्रीव्यू अगर करता हूँ, लेकिन अभी मेरी प्रीव्यू हो जाती है। अब आपकी लेट सपोज कोई भी जब भी लेकिन ये अब आपकी डोमेन टोटली फ्री है, लेकिन ये उनका बेसिकली क्या होता है बैनर मेंशन होता है और ये सारी चीजें आपको रिस्ट्रिक्टेड मोड में दी जाती है, ताकि अगर आपने प्रैक्टिस करनी हो तो वो आपको मोस्ट रजिस्ट्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड। ठीक है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वो बेसिकली मोस्ट ऑफिंग आपको डोमेन भी प्रोवाइड करी होती है और शायद आपकी आफ्टर जो जो डोमेन नेम नोटिफाई कर रहा है उसके। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है जब आपकी डोमेन माई सॉफ्टवेयर 7, अब दुनिया को बेसिकली किसान पता चले क्योंकि माई सॉफ्टवेयर टेक 7 वो बेसिकली अपनी ISP को नोटिफाई करता है, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर जो होते हैं वो डिफरेंट उसको हम कहते हैं। अब आप कोई भी डोमेन रजिस्टर करते हैं मोस्टली उसको 3 to 4 आवर लग जाते हैं फॉर डोमेन रजिस्ट्रेशन, उससे हम कहते हैं DNS प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन क्या होता है कि वो आपकी डिफरेंट डोमेन को बता रहा होता है एक नई वेबसाइट बन गई नई वेबसाइट, इस नाम की बेसिकली क्या होती है DNS प्रोपेगेशन। अब आपकी पब्लिशिंग फाइल ट्रांसफर कर दो, ठीक है, आप बेसिकली वो आपने फाइल बना लीजिए, हमने कौन से फाइल बना ली फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, अब ये मैंने डोमेन में ट्रांसफर करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इस पर डोमेन पर ट्रांसफर करके पूरा हेलो वर्ल्ड और पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन ताकि थोड़ा तो उसको बेसिकली जब भी हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो बेसिकली किसके थ्रू होता है, वो FTP के थ्रू होता है, उसको हम कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, जितनी भी फाइल है ना जितनी भी आपके कंप्यूटर में, देखिए आप बेसिकली अब आप कहेंगे फाइल्स अगर कहीं चले जाती हैं, अब जिसे कि ये एक इमेज है, ये आप अपनी डोमेन से दूसरी डोमेन में ट्रांसफर कर रहे हो, बेसिकली किस तरह होगा एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से। ठीक है, आप इमेज आप कोई फाइल आप करते हैं, ठीक है, हम लैपटॉप में कोई भी खोल लेते हैं कोई भी चीज़ है अगर मैं इसको ट्रांसफर करता हूँ दैट्स अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसफर बिटवीन FTP क्लाइंट योर कंप्यूटर एंड NFT सर्वर। ठीक है, योर कंप्यूटर, अब आप जितनी भी प्रोग्रामिंग करेंगे आप अपने कंप्यूटर में करेंगे फिर आप उसको सर्वर पर ट्रांसफर करेंगे, तो उसको क्या कहते हैं FTP सर्वर, बेसिकली सर्वर कैपेबल रनिंग ओवर FTP। ठीक है, आप कहीं भी डोमेन पर रजिस्टर्ड होंगे वो बेसिकली आपको FTP सर्वर देगा। ये हम नेक्स्ट क्लास में एक सिंपल FTP बनाना डीजल लॉर्ड एडुकेट योर वेब पेजेज इनटू FTP। ठीक है, सिंपल उसने डिफाइन किया डिवीजन, उनका मतलब ये कोई भी चीज़ वो आपकी वेब पेजेज फाइल को वेब सर्वर पर लेके जाती है डेट्स बेसिकली FTP फाइल। ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, अब FTP। ठीक है, अब बेसिकली नेक्स्ट चीज होती है कि आपके जब भी यूजर नेम FTP में आपको एक यूजर नेम पासवर्ड मिले करो आपको FTP। ठीक है, जैसा मुझे एक यूजर नेम पासवर्ड मिला है, नेक्स्ट टाइम हम उसको हम करेंगे और आपको बेसिकली आपके शब्द मेन पे फाइल FTP बना के दी जाएगी ताकि आप अपने शब्द में HTML बिकम इंटरनेट स्टैंडर्ड। ठीक है, ये बस आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ना क्लाइंट पूछता है ना किसी इंटरव्यू में पूछा जाता है बेसिकली ये। अब आपके पास आ रही नेक्स्ट चीज आ रही है CSS। ठीक है, CSS का भी हम बेसिकली एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ आप एग्जांपल नेट से ले लेते हैं। CSS में क्या होता है कि हम कोई भी ऑनलाइन एडिटर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब आपका CSS किसी भी एडिटर में किसी भी चीज़ को डाल देने के लिए। ठीक है, हम उसमें थोड़ा डेमो ले लेते हैं। ठीक है, अब CSS क्या होती है आपकी
कॉर्डिंग स्टाइल, ठीक है, जितनी भी स्टाइलिंग है वो बेसिकली आपकी सी एस एस है। अब आपको एडिटर में हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है, हम अपने एडिटर पे काम करेंगे अपनी चीजें, लेकिन बेसिकली आपको जर्नलिस्ट होंगे, आपको डिफरेंट वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी, डिफरेंट आपको रजिस्ट्रेशन शायद करनी है। अब देखेंगे ये बेसिकली, अब हम बेसिकली हम के पहले एच टी एम एल की बात करते हैं, मैं खाली एच टी एम एल की बात करूँ, ठीक है। अब हमने ये एच टी एम एल का फर्स्ट हमारा प्रोग्राम है काइंडली इसको आप नोट आउट कर लेते हैं। ये देखिए डॉक टैग एच टी एम एल का पहले टैग स्टार्ट होता है, फिर एच टी एम एल का टैग एंड होता है, ठीक है। अब हम इसके नीचे बिल्कुल एच टी एम एल के सारे टैग वन बाई वन करेंगे ताकि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग होगी। ऊपर मतलब ये चीज होता है कि आपको अगर मैं जबानी लिखूंगा फिर आपको थोड़ा मुश्किल होगा चीजें देखने में। मैं एक ही टैग लिखूंगा और मैं उसको समझाता जाऊंगा जी, ठीक है। आपका अब आपने ये टैग लिख दिया एच टी एम एल, ठीक है। ये मैंने ये डॉक टैग, डॉक का मतलब क्या, डॉक्यूमेंट की टैग के एच टी एम एल, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर अब इंटर करेंगे, अब आपने ये मैंने कहा जो टैग आपने ओपन करना है उसको क्लोज कर देना। जब हम क्लोज करेंगे बेसिकली टैग लेकिन जो डॉक्यूमेंट का टैग होता है वो बेसिकली क्या होता है वो इसी तरह ओपन होता है, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं, ठीक है। हर टैग डॉक टैग के अलावा हर टैग को आपने ओपन करना, ठीक है। हमने डॉक्यूमेंट टैग बता दी कि एच टी एम एल, ठीक है, आपने बतानी होती है कि सी एस एस जो भी थी। नेक्स्ट चीज है बेसिकली आपका फर्स्ट टैग वो होता है एच टी एम एल, एच टी एम एल सेंस ऑफ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और एच टी एम एल के टैग को हमने क्लोज कर लिया, ठीक है। अब मेरी अब हम क्या करते थे, अब हमारे क्या होते थे कि हमने एच टी एम एल का टैग बनाया, ठीक है। देखिए हमें सारा काम एच टी एम एल के टैग के अंदर करना होता था, हमारे डॉट क्या करते थे एच टी एम एल का टैग बनना एच वन, मैं भी यही गलती करता था एच वन, ठीक है। अब आप लिख रहे हैं जी एच वन सारा लिख रहे हैं, आपको एडेंट याद ही नहीं रहता कि मैंने कौन सा टैग क्लोज किया, तो इसके मतलब जब आप स्टार्टिंग टैग लगाएंगे साथ ही अपने एंडिंग टैग लगा देने तो आप जितना भी काम होता है वो एच टी एम एल के टैग के अंदर, ठीक है। एच टी एम एल का टैग आपने ओपन करना होता है और एच टी एम एल का टैग आपने क्लोज करना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है बेसिकली, अब आपका बेसिकली ये हम ये प्रोग्राम जितना भी है, ठीक है। अब हम एच टी एम एल की ये सी एस एस एक सेकेंड हम कॉपी करके किसी फाइल में मैं आपको दोबारा यहाँ से मैं एक फाइल में बना देती हूँ, ये मैं फाइल भी आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। लेट अस सपोज ये वाला जो हम टैग है ये हम किसी नोटपैड की फाइल में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये टैग हम बाकी क्लोज कर लेते हैं, अभी तक हमने खाली एच टी एम एल का टैग बना तो हम एच टी एम एल के टैग बनाएंगे, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया डॉग टैग फ्रेंड की एच टी एम एल का टैग ओपन किया डन किया और ये देखें टोटली ब्लैंक पेज आपके पास। अब एच टी एम एल के बाद नेक्स्ट टैग जो क्रिटिकल होता है वो हेड का टैग होता है, हेड का टैग से हेड का टैग होता है प्री प्रोसेसिंग। आप कहेंगे व्हाट इज द प्री प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग के लिए क्या लेट सपोज हम एक पिज्जा बनाने लगे, ठीक है। अब मैं पिज्जा बनाने लगा मुझे पिज्जा के लिए ऑनियन चाहिए, टमाटर चाहिए, केचप चाहिए, पिज्जा सॉस चाहिए, दैट्स अ प्री प्रोसेसिंग। जो आपको एक काम करने से पहले जितने भी स्टेप है वो प्री प्रोसेसिंग होती है। अब जितनी भी प्री प्रोसेसिंग होती है ना वो हम हेड के टैग में करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि एच टी एम एल का टैग लगा लिया और साथ ही हेड का टैग लगा लिया और काइंडली मेक श्योर जो टैग आप ओपन करें वो वहीं पे क्लोज कर दें, ठीक है। अब ये हेड का टैग आ गया, अब हम रन करते हैं, अभी भी कुछ डिस्प्ले नहीं होती है, ना हमने एच टी एम एल के टैग में कुछ लिखा और ना ही हमने हेड के टैग में कुछ लिखा। अब यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए कि एच टी एम एल, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज होती है आपका बॉडी का टैग, ठीक है। अब कोड मैं आपको सेंड कर दूंगा लेकिन मैं आप बेसिकली क्या करूँगा जुबानी लिखना स्टार्ट कर दूंगा ताकि कोड आपको मिल जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट चीज होती है बॉडी का टैग, ठीक है। हेड की टैग में जितनी होती है वो प्री प्रोसेसिंग होती है और बॉडी के टैग में जितनी कोडिंग होती है वो बॉडी के टैग में होती है। अब मैं क्या कहता हूँ मैं, ठीक है, हेडिंग मैं कहता हूँ आपको हेडिंग करनी, ठीक है। अब हेडिंग के टोटल एचटीएमएल में सिक्स टैग की हेडिंग होती है। एच वन ये आपने बेसिकली मेक श्योर कर देना वहीं पर टैग लोड कर देना, नहीं तो आपने फिर आपने भूल जाना और फिर आपका मैं वो गलती करके दिखा दूँ। साथ साथ हम मिस्टेक भी करेंगे तभी एटलीस्ट और बाकी एट द एंड मैंने आपको बताया दैट्स अ रिसर्च फील्ड, ठीक है। आप शायद कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लेंगे शायद मुझे भी नहीं पता होगा, ठीक है। इसमें आप कोई देखिए आई टी एक्सपर्ट अभी भी इस बात में नहीं समझता कि मुझे नहीं पता मैं स्टूडेंट का छोटा हो जाऊँगा बड़ा हो जाऊँगा। ये चीज़ें आपने आई टी में ना एक चीज़ होती है कि आपने अपनी गैरत को ना थोड़ा मार के रखना है, ठीक है। तुम कोई भी चीज़ नहीं आ जाती आपको पता नहीं होती आप जो, ठीक। अभी भी देखें आपने बेसिकली अब आपके जितने भी टैग हैं वो क्या हैं कुछ भी डिस्प्ले नहीं है।
अब आप कह रहे हैं सर हमने तो एट वन लिखा है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सब कुछ लिख लिया, कुछ लेकिन जब भी आप टैग के अंदर काम करेंगे तब डिस्प्ले होगा। अब हम इसको डिस्प्ले करते हैं फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग डिस्प्ले होगी। अब सेकेंड हेडिंग, अब आपकी सेकेंड हेडिंग डिस्प्ले होगी। अब ये आपको बेसिकली ये फाइल आपने स्टोर कर लेनी है और नेक्स्ट टाइम हम यही वेब सर्वर पर ले जाएंगे और ये हमारी थर्ड हेडिंग है। देखिए हमने ये अब आपकी फर्स्ट हेडिंग बड़ी है, सेकेंड उससे छोटी है, थर्ड उससे छोटी है। अब आप फोर हेडिंग फोर फिफ्थ ठीक है जो भी आप नाम करेंगे, देखिए फोर हेडिंग उसके बाद आपकी फिफ्थ हेडिंग, अब ये एच वन के टैग हैं और ये आप बेसिकली सेकेंड हेडिंग थर्ड हेडिंग फोर्थ हेडिंग फिफ्थ सिक्स्थ। लेकिन ये अब हमने बिल्कुल स्मॉल ईच एंड एवरीथिंग स्टेप ठीक है। अब आप फाइवर पे जाते हैं, लेकिन ये हेडिंग है, ये हेडिंग है ठीक है, ये बेसिकली क्या है। अब नेक्स्ट चीज हमने बात की थी हाइपर लिंक की, हाइपर लिंक क्या होता है। अब हम हाइपर लिंक बेसिकली ये होता है कि अगर हमने एक रेफरेंस ठीक है, अब हाइपरलिंक से पहले हमने थोड़ा पैराग्राफ को देख लेते हैं। पैराग्राफ क्या होते हैं, अब मैंने फर्स्ट हेडिंग है ठीक है, मैं लिखता हूँ जी ठीक है इंट्रो लिख लेते हैं। लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूँ ये मेरा एचटीएमएल इंट्रो, इसके बारे में मैं कुछ लिखना भी चाहता हूँ। मैं पैराग्राफ ठीक है, मैं नेट से कॉपी कर लूंगा, टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं और वो हम पैराग्राफ में ठीक है। अब हमने ये टेक्स्ट कॉपी कर लेना है ठीक है। अब ये बेसिकली अब हमने ये टेक्स्ट कॉपी कर लिए और ये हम पैराग्राफ में कॉपी करने लगे। ये देखिए पैराग्राफ जो होता है वो उसका स्टार्ट टैग पी होता है और एंड टैग बेसिकली क्या होता है पी होता है ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे, ये देखेंगे अब आपको टोटली एक पैराग्राफ आ गया ठीक है। अब ये एचटीएमएल इंडेक्शन है, इसी तरह अगर आपने जितने पैराग्राफ रखने हैं यहाँ पे भी रखने हैं, आपने ये स्ट्रक्चर डिसाइड करना है। लेट्स सपोज मैं एक्टू के नीचे कर लूँ ये पैराग्राफ है, आप इसमें डिफरेंट टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो भी हमने बात की थी वो हेल्पर लिंक है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं एचटीएमएल को क्लिक करूँ इस, अभी देखें एचटीएमएल पे कुछ भी क्लिक करें हम नहीं हो रहा ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ मैं एचटीएमएल क्लिक करूँ और मेरी वेबसाइट ओपन होगी ठीक है। तो अब आपने बेसिकली जहाँ पे भी डिस्प्ले करना होगा स्टार्टिंग टैग ए एच आर ई एस ठीक है, इसको कहते हैं हाइपर रेफरेंस ठीक है। हाइपर रेफरेंस का मतलब है कौन से यू आर एल ओपन करना है। और ये देखिए ये आप बेसिकली हमने टैग के अंदर रखा ठीक है, इसको अब आप कह सकते हैं नेस्टेड टैग। नेस्टेड टैग जो होता है टैग विद इन द टैग, हम थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए ये एच वन का टैग है, उसके अंदर मैंने ये हाइपर रेफरेंस का टैग ओपन किया और ये देखिए ए का टैग क्लोज कर दीजिए। अब ये जो चीज है इसको हम बेसिकली क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टीज है ए की प्रॉपर्टीज है ठीक है, कि मतलब उसका हाइपर रेफरेंस क्या है ठीक है, उसको विथ क्या है ठीक है। अब हम इसको क्लिक करते हैं, अब ये देखिए ये टेक्स्ट तो हो गया एचटीएमएल इंटर। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ कुछ भी ओपन नहीं होता ठीक है। ये देखिए खाली वो डब्ल्यू टी स्कूल, आप कहते हैं मैं अपनी वेबसाइट ओपन करना चाहता हूँ, दैट इज हमारी वेबसाइट ओनली मिशन, हम पूरे कोर्स में ई कोर्स लेके वेबसाइट लेके चलेंगे। हम क्या करेंगे उस लिंक को यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे और हम नेक्स्ट चीज अब हमने रन कर दिया है, अब हम जब क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट खुलनी चाहिए ठीक है। अब देखिए हमने वेबसाइट की ऑनलाइन बिजनेस, अब आप इस वेबसाइट को जाके देख भी सकते हैं कि इस पर कौन सी वेबसाइट है ठीक है। अब देखिए हमने ये उसी के अंदर खुल गई ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस ठीक है। अब ये वेबसाइट ठीक है, अब इससे हमने ये सीख ली है कि हमने हेल्पर पेज ठीक है, हेल्पर पेज या हेल्पर लिंक को किस ओपन करना है। अब आपने लेटेस्ट फोर, आप कहते हैं जी मेरा लेटेस्ट फोर मैंने अब कंप्यूटर है ठीक है, अब मेरे सर्वर पे दो फाइलें पड़ी, एक फर्स्ट पेज है एक सेकंड पेज है, जिसे आप ये देख लें एक फैशन डॉट ये पेज की वेबसाइट है और एक शॉप की। अगर आपने अपनी लोकल वेबसाइट ओपन करनी होगी तो आप सिंपल उस पेज का नाम लिख लेना ठीक है, लेटेस्ट फोर फैशन डॉट है, अभी हम लोकल कंप्यूटर पर मेरी फाइल नहीं पड़ेगी तो हम उसको लिखेंगे, फिर भी हम इंट्रोडक्शन करेंगे तो बेसिकली अब ये हमारे लोकल कंप्यूटर उसकी सर्वर पे फाइलें पड़ी होंगी ना वो ओपन हो गई ठीक है। अब आपको हेडिंग्स का आइडिया आ जाने की, आपको पैराग्राफ का आइडिया आ जाने की, आपको हाइपर रेफरेंस का आइडिया,
देखो मैं हेल्पर रेफरेंस नेक्स्ट चीज है आपने बेसिकली ये देखी अमिश को कम्युनिकेशन के उसने इमेज है हेडिंग है टेक्स्ट हेडिंग भी हमने कर ली है हमने टेक्स्ट अब इमेज रह गई जो इमेज का टैग है लेटर फोर वो इमेज का टैग हमारे पास जो होता है वो भी हम इसको हेल्पर रेफरेंस कर लेते हैं अब जितने इमेज का टैग होते हैं वो बेसिकली होता है आई एम जी ठीक है और आपने इमेज का टैग इमेज ही क्लोज करना होता है ठीक है आई एम जी ठीक है तो स्टार्टिंग और एंडिंग टैग में क्या फर्क होता है स्टार्टिंग टैग जो इमेज होता है उसके सारा हैश डाल देते हैं ठीक है बैक स्लैश वो बेसिकली क्या होता है वो आप क्लोजिंग टैग है ठीक है अब इमेज है इमेज में सोर्स है ठीक है अगर फॉर एग्जाम्पल आपका इमेज का नाम है कैसे डॉट पी एन जी आपने कैसे डॉट पी एन जी लिखना है वो आपने इमेज ओपन होना चाहिए अभी हमारे पास लोकल कंप्यूटर पे इमेज नहीं है तो हम कोई ग्लोबल खोल लेंगे लेकिन इमेज अगर फाइंड नहीं होता तो वो क्या करेगा इस तरह का आइकन एचटीएमएल में बना देगा तो मैं इमेज नेट से ले लेता हूँ कोई अगर मैं यही इमेज ओपन होगी लेट्स सपोज अगर मैं गूगल से कोई इमेज ले लेता हूँ अब कोई भी इमेज ले सकते हैं लेकिन मैं इतना यूनिवर्सिटी खोल लेता हूँ हमें ये जो जी बोलो मेरा इमेज ना डिस्प्ले हुई ठीक है अब मेरे सर्वर पे तो इमेज नहीं पड़ा हुआ ये तो किसी और सर्वर पर पड़ा हुआ ठीक है मैं इस इमेज को ये बिल्डिंग हम डिस्प्ले करना चाहते हैं ठीक है आपने कितने ओपन इमेज इन न्यू है और इस इमेज को आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना है ठीक है ये हमने इमेज यहाँ पे कॉपी करना है तो आपको बेसिकली क्या होगी ना मेरे को इमेज है और ये हम रन करेंगे वो इमेज डिस्प्ले होगी ठीक है अब आप कहेंगे कि लेफ्ट होना चाहिए राइट होना चाहिए ये बेसिकली अब क्या होगा सी एस एस करेंगे आपका लेफ्ट राइट ठीक है अब ये देखेंगे इमेज आ गया ये ठीक है हेडिंग हमारी फर्स्ट हेडिंग की इस हेडिंग को हम इमेज के नीचे कर लेते हैं इमेज आ गए अब ये हम रन करते हैं लेकिन इमेज आ गए ये एचटीएमएल आ गए ठीक है अब आप कहते हैं अब हम इस वक्त फाइबर में जाकर देखते हैं इमेज है ठीक है स्मॉल इमेजेस हैं ये सारी चीजें हम सी एस एस के थ्रू लेते हैं ये इमेज है इसके बाद हेडिंग है उसके बाद टेक्स्ट है अब हमारा भी इमेज है हेडिंग ये देखें यहाँ पर न्यू लाइन है हमारी तो हम हेडिंग पर न्यू लाइन करने के लिए क्या करते हैं बी आर ब्राइट लाइन ओके बी आर क्या करते हैं अपनी लाइन को क्या करते हैं ब्रेक अब लेकिन पहले एचटीएमएल ऊपर था अब एचटीएमएल नीचे आ गया ठीक है अब ये देखेंगे अब आप अब नेक्स्ट चीज आप ये पूछ सकते हैं फर्स्ट हेडिंग तो पहले बड़ी थी अब फर्स्ट हेडिंग छोटी किस्म होगी ये सारी चीजें मिलने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा आपको चीज से कंट्रोल अब हमने हेपर लिंक खत्म कर दिया और ये देखिए हमारा टाइटल भी रिमूव हो गया जो चीज आपने रिमूव करनी है वो आपने रिमूव कर लेनी ठीक है अब मैं ये चीजें नेक्स्ट करता हूँ ठीक है अब आप ये आप फाइवर में जाइए देखिए आप किसी भी चीज को क्लिक करते थे तो आप नेक्स्ट पेज ओपन होना चाहता अब देखिए आप इमेज आ गए आप इंट्रोडक्शन आ गए अब हम किसी को भी क्लिक करेंगे आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा ठीक है अब आप कहेंगे इसकी थोड़ी स्टाइलिंग एडिटिंग वो हम आपको फाइल ओपन कर लेते हैं देखिए यहाँ पे अब मैंने जब भी बात की हेड देने स्टाइल ठीक है अभी हमने कितना काम की एचटीएमएल में ठीक है एचटीएमएल में मैंने क्या कहा था आप किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर जो बनाते हैं किसी भी चीज़ में जो वर्किंग होती है उसका स्ट्रक्चर बनाइए तो एचटीएमएल में बनाते हैं अब आप कहते हैं हमने थोड़ा ब्यूटीफाई करना है जिसमें आपने कमरे को एक कलर देना है दूसरे को कलर देना है और डिफरेंट वो बेसिकली हमारी सी एस एस करती है जब भी आप सी एस एस करते हैं ठीक है हेड में जाके आपने स्टाइल का टैग यूज करना होता है हेड के अंदर आपने जब स्टाइल का टैग यूज करना है वो बेसिकली क्या होगा आपकी सी एस एस ठीक है अब ये बस इनशाला हम 10-15 मिनट में अपनी क्लास वाइंड अप करेंगे लेकिन थोड़ा आपको सारी चीजें ठीक है अब ये देखें ये बॉडी है ये एच वन है ये टी है आप कहेंगे हमने यहाँ पे भी बॉडी यूज की हुई है ठीक है बॉडी ये बॉडी यहाँ पे यूज हुई है ये एच वन है और तरह का इसका क्या मतलब इसका मतलब ये अब हम इसको लेटर स्पोर्ट कॉपी करते हैं ठीक है कॉपी नहीं करते खुद टाइप कर लेते ताकि आपको आइडिया मिले अब मैंने जिस चीज पे स्टाइल लगाना मैंने उसको लिख देना है अगर बॉडी पे स्टाइल लगाना है तो मैं बॉडी लिख दूंगा तो क्या होगा बॉडी पे आप स्टाइल लगने लगे ठीक है अब आपके पास सी एस एस ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं ठीक है वो हम नेक्स्ट क्लास में पूरी ट्यूटोरियल भी मैं दे दूंगा और जो आपकी मैन ठीक है जो ठीक है अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया और बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट अलाइन कलर ठीक है फैमिली कलर ठीक है अब मैं बैकग्राउंड कलर ही यूज कर लूँगा
मैं ये जब रन करूंगा इसके बाद आपकी बॉडी का टैग जो है बेसिकली उसमें हेडिंग आ रही है उनके कलर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए ये बॉडी का टैग का पूरा कलर बेसिकली आपका चेंज हो जाएगा, जैसे बेसिकली स्टाइलिश जिस आप रूम में डेकोरेशन है डिफरेंट, ठीक है। आप कहते हैं हमने बॉडी को एक्सटेंड नहीं कर दी सर, हमने पैराग्राफ को डिफरेंट कलर दिया, तो आपने जिस चीज को भी पैराग्राफ का टैग दिया वो पी था, ठीक है। पैराग्राफ वो हमने स्टाइलिंग करनी है और एंडिंग करके जो भी आप कलर रखना चाहते हैं, आप बैकग्राउंड है आप इसको रख लेते हैं, ठीक है। आप भी कलर कॉम्बिनेशन आपको सीखना पड़ता है और थोड़ा डिफरेंट आप वेबसाइट ट्राई करते हैं, ठीक है। अब आप इसको कर लेते हैं ब्लू, ठीक है। अब ये रहेंगे आपकी बॉडी के टैग टू लाइट ब्लू है, लेकिन आपके जितने पैराग्राफ चेंज हो, ठीक है। अगर आपने हेडिंग के करनी है, ठीक है, आपने H1 H2 इसी तरह आपने डिफरेंट स्टाइलिंग कर लेंगी, ठीक है। अब ये रहेंगे की फॉन्ट फैमिली, आपको पता है फॉन्ट टेक्स्ट होता है उसका साइज होता है, अब आपने डिफरेंट अगर साइज करनी है, ठीक है, फॉन्ट फैमिली अगर आपने जो भी आपने चीज करनी है पैराग्राफ तो आप कह रहे हैं फॉन्ट बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अब ये देखें फोन का साइज, ठीक है। अब ये देखें ये वेबसाइट फाइबर डॉट इसका फोन डिफरेंट है, इसका फोन डिफरेंट है हर वेबसाइट के, ये टोटली फोन आपने कलर इसका ये मतलब है आपने जितना स्ट्रक्चर वाले बनाना तो वो एचटीएमएल में बनता है, उसके बाद जितना भी आपने करना होता है नेक्स्ट चीज आपने स्टाइलिंग वो सीएसएस विद टू पार्ट सेपरेटेड बाय कॉलन, ठीक है। ये मैंने टेक्स्ट लिखा इसलिए कि थोड़ा आप लगा, ठीक है। आपके जो सीएसएस के दो पार्ट हैं वो देखिए हमने कॉलन से डिफरेंट किए, ठीक है, ये कॉलम से, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लेवल टू प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, सीएसएस के अंदर हम जिस वैल्यू को यूज करें उसको प्रॉपर्टी कहते हैं। ये बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी, टेक्स्ट लाइन, सीएस प्रॉपर्टी इन द वैल्यू सेंड टू रेफर टू डिक्लेरेशन, ठीक है। ये स्टाइल डिक्लेरेशन ये सारी हमने करनी, ठीक है। अब ये अगली आपको ये पता नहीं कि ये इनलाइन स्टाइल होती है, इंटरनल स्टाइल शीट होती है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है। अब ये देखिए अभी जो हमने यूज किया है ये इंटरनल स्टाइल शीट, इंटरनल का मतलब ये था कि फाइल, ठीक है। अब आपने जब एक्सटर्नल स्टाइल शीट से आप एक ब्लर फाइल बनाते हैं सीएसएस की, वो हम सीखेंगे, उसमें हम फाइल करते हैं फिर वो हमारी पूरी वेबसाइट पे देखेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल हम इकरा यूनिवर्सिटी खोलते हैं तो पूरी वेबसाइट पे एक ही कलरिंग स्कीम टेक्स्ट और अलाइनमेंट, ठीक है, वो बेसिकली क्या एक्सटर्नल स्टाइल शीट के थ्रू कर। अब आप कहते हैं कि मैंने अब नेक्स्ट चीज देखिए आपकी नेक्स्ट चीज जो मैंने लिखी है वो है बेसिकली आपकी इंटरनल इन लाइन स्टाइल की। इन लाइन का क्या मतलब होता है, जो प्रेफर नहीं किया जाता है, प्रेफर नहीं किया जाता इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप वहीं पर जाके ये इन लाइन में H3 को यहीं पर जाके मैं अगर ब्लू करता हूँ तो H3 जो है थर्ड राइटिंग वो हमारी ब्लू नहीं होती है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको सम टाइम इसके सेंटेक्स में डिफरेंट होता है, वो हमने कर लेते हैं, मतलब आप उस टैग की जाकर मैनुअल हार्ड कॉपी में जाकर चेंज कर लें तो वो बेसिकली क्या होता है कि वो बेसिकली आपकी सी एस एस रेड कलर की बहुत सपोर्टिंग कर रही थी। अब मतलब आपने अगर उस प्रॉपर्टीज को जाकर कुछ आप प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं वो बेसिकली इंटरनल स्टाइल सीट है। अगर मैं हेड के टैग में उसको फाइल जो फाइल करता हूँ वो इंटरनल स्टाइल शीट है, मैं लादा फाइल में आपकी पूरी वेबसाइट पे फ्लाई करता हूँ वो हमारी एक्सटर्नल स्टाइल शीट है। सॉफ्टवेयर वार्निंग वेबसाइट, ठीक है। वेब मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, वेब मास्टर जो होते हैं जो डे टू डे जितने भी आपकी वेबसाइट की मॉनिटरिंग है आप देखना होता है, अब कोई एडमिशन ओपन हो गया वो आपने बेसिकली आपने रन करना है आप, ठीक है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, सर्वर आपका बैक एंड होते हैं, ठीक है। मैंने तीन बातें की, एक आपको फ्रंट एंड होते हैं, बैक एंड होते हैं, आपको फुल स्टैक होता है। अब ये बैक एंड है ये इसके लिए हमें सर्वर चाहिए होगा, ठीक है। सर्वर हम नेक्स्ट क्लास में हम अपने कंप्यूटर पर भी सर्वर बनाएंगे और हमने एक लाइव सर्वर जो मेरे पास पड़ा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। डेटा पर क्लाइंट रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फुल फिलर रिक्वेस्ट, ठीक है। डेटा बेस क्या होते हैं, आपकी हमेशा डेटा बेस उस चीज़ को कहा जाता है जिसमें आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन वो स्टोर हो रही है। तो आपकी एडमिशन लेटर पर हमने एग्जाम्पल लेते हैं एम्प्लॉय डेटा बेस, उसके CNC स्टोर हो रहा है, उसका नाम स्टोर हो रहा है, उसके फादर का नाम, उसकी वाइफ का नाम, ये सारा बेसिकली किसमें स्टोर होता है, डेटा बेस। तो इसका क्या मतलब है, हमारे कोर्स में डेटा बेस भी होगा क्योंकि हम एक फॉर्म बनाएंगे, ऑनलाइन एडमिशन का पूरा फॉर्म बनाएंगे, वो डेटा बेस डेटा में स्टोर करेंगे और वो हम फैच करेंगे, ठीक है। क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट जो होता है वो फ्रंट एंड को कहते हैं, सर्वर हम बैक एंड को कहते हैं। और ये बस इंटरव्यूजर सबमिटेड टू सर्वर रिसीव, ठीक है। ये बेसिकली फ्रंट एंड में और बैक एंड के लिए लिखा हुआ है कि आप फ्रंट एंड में कितना तो वो सर्वर की होती है, नेक्स्ट जॉब्स।
इस क्लाइंट से। अब देखिए जावा स्क्रिप्ट क्या है कि आपकी जितनी भी एक्शन परफॉर्मिंग है जितनी भी, ठीक है, डेवलप इंटरैक्टिव वेब पेजेस। इंटरैक्टिव वेब पेजेस का क्या मतलब होता है? इंटरैक्टिव वेब पेजेस का मतलब ये होता है, लेट अस सपोज अब हम इंटरैक्टिव वेब पेज को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। मोस्ट डिमांडिंग जो है वो आज जावा स्क्रिप्ट है, इंटरैक्टिव कैलकुलेटर। अभी देखिए मैं इंटर कर रहा हूँ, देखिए मैं लेट सपोज अगर किसी भी कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ, तो देखिए मैं वेब पेज भी इंटरेक्शन कर रहा हूँ, मैं कोई नंबर इंटर कर रहा हूँ कोई, ठीक है, लेट 45 डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है, जावा स्क्रिप्ट। और जावा स्क्रिप्ट की सेम डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। आप जावा स्क्रिप्ट की अगर लिखते हैं ना सैलरी पर आवर, तो आई थिंक $60 नॉर्मल जो है डेवलपर, 61 to 80 डॉलर है। लेकिन 80 डॉलर अगर आप नॉर्मल, आप लो पे भी जाते हैं, एवरेज का मतलब कि कोई डेवलपर 200 डॉलर भी ले रहे हैं, 61 × 2/3, ठीक है। अब ये चीजें, ये आपको सारी चीजें आपको बिल्ड की जा रही है, लेकिन आप फाइवर में आप जावा स्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है। आपने अकाउंट, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में अकाउंट बनाना सीख रहे हैं, तभी हम सारी चीजें प्रैक्टिकल कर रहे हैं। वहां पे गीत बनाए हम इस तरह, हमारे इमेजेस डिस्प्ले हो, लेकिन 11,000, 7,000, 7,000 का एक पे 7,000, ठीक है, 1,000, 5,000, 6,000, मतलब आपका ये स्टार्टिंग गीत है। मोस्टली लोग आपको 150 या 1 लाख पर मंथ ऑफर, लेकिन इन लोगों में क्या फर्क, इन लोगों ने लेकिन दिन रात एक डेडिकेशन लगाई, ठीक है। आपकी जितना चीजें हम पढ़ें सारे क्वेश्चन में सारी प्रैक्टिकल चीज है, सारी की चीजें आपको क्लाइंट डिमांड की देते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे मैं ये बनना चाहता हूँ या इस तरह का, देखिए 7:30 ऑर्डर तो एक टाइम हो गया टॉप रेटेड सेलर, ठीक है, इसने 3 to 4 ईयर लगाए होंगे स्पेसिफिक, उसने डेडिकेशन शो की होगी, दिन रात मेहनत की होगी, सभी चीजें, ठीक है। अब आप कहेंगे देखिए आप एक चीज का ये प्रोजेक्ट उसमें कैपेबिलिटी कितनी लग अर्निंग की, लर्निंग, ठीक है, बाकी तो फिर आपकी होती है कि बाहर लोग जितनी मेहनत करते हैं प्रॉफिट पर, ठीक है। यूरिन ना मोस्ट में प्रॉब्लम जिसका फायरफॉक्स इंटरनेट जावा स्क्रिप्ट होती है वो क्लाइंट साइड होती है, स्टैटिक पेज इंटरप्रिटेशन से गेम इन कैलकुलेटर, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल ही कैलकुलेटर की स्टैटिक पेज होती है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट उसमें इंटरेक्शन ऐड कर देती है, चलो साइड होती है। हेलो, आ रहा है सब्जी का? जी आ रही है, जी आ रही किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई भी चीज है, ठीक है, वो हम आप कर लें फिर। चलो ठीक है, आई थिंक हम इसको सेशन को वाइंड अप करते हैं। चलिए तो आप माइंड अप कर दीजिए। चले ठीक है। अच्छा, थैंक यू सो मच कैफ साहब। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और आपने डिटेल डिस्कशन की इसके ऊपर। तो माइंड अप, बस मैं यही कहूंगा कि हमारा जो बैच है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से अगर स्टार्ट हो रहा है इस वेब डेवलपमेंट के ऊपर, वीकली एक क्लास हुआ करेगी इंशाल्लाह 2 2 आवर्स की। और जो जो इंटरेस्टेड है वो मुझे मैसेज कर सकता है, चैट में अपना व्हाट्सएप नंबर और लैंडलाइन नंबर भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो
इसके अलावा राणा वाहिद साहब हैं, वलीद साहब, काइंडली अगर आप अनम्यूट करके हमसे थोड़ी सी जाना गपशप लगा सकें तो बड़ा अच्छा हम फील करेंगे कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या आप के लिए ये जाना। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप सुनाए, ठीक हैं? शुक्र अल्लाह, क्या आप सबसे पहले